परमेश्वर पिता जी बहुत सारा धन्यवाद आज दे दिल्ली आज दे समय ली और सब जन अपनी अखां बंद करके आज परमेश्वर की प्रार्थना करांगे आज दे दिल्ली और आज दे समय ली। हे जिंदा खुदावंद परमेश्वर मैं तुहाडा थैंक्स करदा धन्यवाद करदा पिता परमेश्वर आज दे दिल्ली आज दे समय ली परमेश्वर जो तुसी परमेश्वर तुसी आत्मा द्वारा ठहराया मेरे खुदावंद परमेश्वर। हे जिंदा खुदावंद परमेश्वर आज दी जो परमेश्वर संगति करन जा रहे परमेश्वर तेरी आत्मा द्वारा गन जा रहे हो परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन सानू दसदा जिते दो जां तिन मेरे नाम विच इकट्ठे होण मैं उस जगह ते मौजूद हुणा मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरा होली स्पिरिट तेरा पवित्र आत्मा इस जगह ते मौजूद है मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ रिपाशा खानदाना बारा बारे सिकरीबा नहीं ननो जलारी रा बारा संभ्रमा मंदुरु सलाल मेरे जिंदा खुदावंद परमेश्वर अब्राहम इसहाक ते याकूब दे परमेश्वर तेरे की प्रार्थना करदे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर जिंदा खुदावंद परमेश्वर अज दास दे द्वारा तुसी वचन देण जा रहे हो परमेश्वर जो दास दे द्वारा चनाउन वाला परमेश्वर नीचे परमेश्वर रोगियों तुसी ब्लेस कर चुके परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी मर्जी परमेश्वर दास दे द्वारा पूरी परमेश्वर जिंदा खुदावंद परमेश्वर जिवें अलीशा उत्ते तेरा दुगना मसा सी मेरे खुदावंद परमेश्वर आज तेरे दुगने मसे दे नाल परमेश्वर रोगियों नु चंगा कर चुके हो प्रभु यीशु दे नाम दे विच मेरे खुदावंद परमेश्वर। हे जिंदा पाप क्रूर परमेश्वर मेरे खुदावंद परमेश्वर तुसी अज वर्शिप नु बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर हर पूरे वॉलंटियर टीम नु परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर तेरी इच्छा सबना दे जीवना दे विच पूरे परमेश्वर जिंदा खुदावंद परमेश्वर जो अपनी आस नु लेके आए ने मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरा वचन सानू दसदा के तुहाडी आस ना टुटेगी मेरे खुदावंद परमेश्वर अज इन्हां दी आसां उम्मीदां नु पूरा कर चुके परमेश्वर इन्हां दे नगरां नु घरानियां नु ब्लेस कर चुके मेरे सच्चे खुदावंद परमेश्वर। हे जिंदा खुदावंद परमेश्वर तेरा वचन सानू दसदा मंगोगे तो दिता जाएगा ढूंढोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो मिलेगा प्रभु यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर असीं मांगदे हां खुदावंद परमेश्वर निश्चय तुसीं सबना बहुत सारा ब्लेस कर चुके परमेश्वर बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी मर्जी इन्हां दे जीवन दे विच पूरी होवे यीशु नासरी दे नाम दे विच मांगदा हां आमीन। तो ठीक है जी परमेश्वर पिता दा बहुत सारा धन्यवाद और सार सब जन आपां पूरे मन तो परमेश्वर अगे वर्शिप करांगे यीशु दे नाम दे विच। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਠਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰੀਏ ਸ਼ੂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ
हालेलुया। सर्व शक्तिमान परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं इस वर्शिप सॉन्ग के लिए। असं पूरे मन तो वर्शिप के विच जावांगे, परमेश्वर जी दे अपने मन नूं लगावांगे। यीशु ते भरोसा करे
हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर जी का बहुत सारा थैंक्स कर दे इस वर्शिप सॉन्ग के लिए।
उसको रूह को उस आत्मा को मांगो अपने जीवन में, सब मांगे उस रूह के मसे को मांगे और रूह में बढ़ते जाए, इन शब्दों को अपने जीवन में ले। सब अपनी जगह पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाएं और उसको रूह को उसके मसे को मांगें, अपने हाथों को उठाकर दिल से आपा करू।
के उसकी रूह की बारिश को मांगो अपने जीवन में। खुदा तेरा बड़ा मसा, तेरी रूह की बारिश मेरे जीवन में बढ़ती जाए और मैं तेरे प्रेम में बढ़ता जाऊं। मांगे मांगे अपने दिल को खोलकर रूह से भरकर पादाए पाक रूच दादाए रूह दी बारिश पादाए। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं, उसके मसीह को उसके प्रार्थना को मांगें, उसके मसीह को प्रार्थना में जाएं कि परमेश्वर तेरी रूह का मसा मेरे जीवन में बढ़े, क्योंकि जहां पे मसा है, जहां पे उसका आत्मा वहां पे आजादी है। इसलिए उसके मसीह को उसके प्रेम को मांगो, उसके छुटकारे को मांगो जो उसने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान देकर आपके लिए ये बड़ा छुटकारा उसने किया है। मांगे और दिल और रूह से मेरे परमेश्वर उसके प्रेम को मांगे, अपने हृदय और अपने मन को खोले, मांगे कि परमेश्वर इस जगह पे तेरी प्रेजेंस है, यहाँ पे तेरी हजूरी है। मांगे उसकी हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को मांगे अपने जीवन में, क्योंकि बिना आत्मा हम उसकी इच्छा उसकी मर्जी को समझ नहीं सकते, उसके प्रेम को समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो शारीरिक हैं, जो इंसान शारीरिक हैं, वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। आज मांगो के परमेश्वर में शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक हूं, तेरे लहू के बहने से, तेरे ऊपर विश्वास करने से मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो शारीरिक है वह शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आज मांगो परमेश्वर में शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मा की मन पर बातें लगाऊंगा, क्योंकि जहां पे उसका आत्मा वहां पे आजादी है, वहां पे कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा, यहोवा मेरी पनाह मेरा गढ़ है, मैं कभी ना गिरांगा, मैं कभी ना डिगांगा। आज अपनी पनाह, अपना शरण स्थान, अपना गढ़, अपनी चट्टान जिवें दाऊद परमेश्वर नु बनांदा सी, तुसी भी बनाओ उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को मांगे अपने जीवन में, उसके प्रेम को मांगे कि परमेश्वर आज की वर्षिप मेरे जीवन में मसे को पैदा करे, आज की वर्षिप मेरे बंधनों को तोड़े, मेरे जीवन की हर दर्द को खत्म करे, मेरे अंदर की सोच को, मेरे अंदर की परेशानी को, बेचैनी को, आज की वर्षिप मेरे खुदा खत्म करे, मेरे जीवन से तमाम पाप के बंधनों को तोड़े, तमाम पाप के बंधनों को तोड़े। मांगो मांगो उसके मसीह को, चाहत करो इस वर्षिप में, जिनका मन नहीं लगता वो मांगे के मेरे परमेश्वर स्थान में तेरी हजूरी है, तेरी प्रेजेंस है, और मेरा मन मांगे आज मांगे इस भजन के द्वारा, क्योंकि अगर आपका मन परमेश्वर की ओर है, आपका हृदय उसकी ओर खुला है, तो निश्चय आप सेम नहीं जाएंगे। जीवन का वर्षिप के द्वारा आपका परमेश्वर छुटकारा करेगा।
जीवन इन शब्दों को इस भजन जल तू पिला आज अपने मन की चाहत बनाओ जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे शिफा का दरिया बहा यीशु शिफा का दरिया शक्तिमान परमेश्वर जिवें तू सामरी टीवी नू बोलिया के खुदावंत परमेश्वर के मैं तेनू वो जल देना तू कदी भी प्यासी नहीं रहेगी मेरे परमेश्वर आज वो जल खुदावंत परमेश्वर मैनू दे मेरे जीवन दे विच खुदा वो जल नू दे मेरे परमेश्वर ताकि मेरी हरेक कटी खुदावंत परमेश्वर आज पूरी हो जावे मेरे परमेश्वर आज अपने उस मसीह नू दे मेरे खुदा ताकि खुदावंत परमेश्वर मैं उस जल नू लेके खुदावंत अपने जीवन नू बितावा और कदे भी प्यासी ना रहा जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे जीवन का जल तू पिला दे यीशु जीवन का जल तू पिला दे शिफा का दरिया बहा यीशु शिफा का दरिया बहा दे शिफा का दरिया बहा जल तू पिला
जीवन का जल तू पिला दे, जीवन का जल तू पिला दे, यीशु जीवन का जल तू पिला दे। रू से कलमा मूर
जल तू पिला दे। जल जल पिला दे।
रूसे रूसे बरकत अमीन अमीन हालेलुया। किन्ने लोग चाहते ने कि वो जल वो सोता जो प्रभु यीशु है इस दुनिया दा मेरे जीवन चावे। किन्ने लोग शास करते ने कि वो सोता मेरे जीवन चाहे और मैं जल नू पी के कभी भी अपने जीवन च प्यासी प्यासा ना कभी भी ना हो। और जो शास नाल परमेश्वर के शब्दों नू अपने जीवन च लेंदे ने उस जीवन नू पांदे ने। हालेलुया। तो अज भी असी जानते हैं कि परमेश्वर इस जगह ते अपनी आत्मा द्वारा हर चीज नू साडे जीवन च हर कमी नू हर कटी नू अज अपनी आत्मा दीयां गल्लां नाल पूरियां करन वाले ने। किन्ने लोग अस प्रार्थना करके आए नहीं करते किन्ने लोग प्रार्थना प्रेर करके आए नहीं कि खुदा क्या इसका वचन हर चीज मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा तो है। किन्ने किन्ने उस शास्त्र आत्मा दे नाल आए अपने मन की तैयारी नाल क्योंकि परमेश्वर मना नु वेखदा है। बोलो वो मना नु वेखदा और मना दे हिसाब दे नाल वो सुनदा है हर एक नु सुनदा है। अज भी छुएगा बोलो कि छुएगा अज भी परमेश्वर छुएगा अगर मन तैयार नहीं तो परमेश्वर तैयार है। बोलो कि इसलिए वचन च लिखा आत्मा की परिपूर्णता च पूरे होंगे जाओ परते जाओ ओदी आत्मा की परिपूर्णता च परते जाओ। खाली जिवें खाली बर्तन चो आवाज आती है भरे हुए चो नहीं आती है इसलिए असीं रूह और आत्मा दीयां गल्लां नाल भरना अपने आप नूं क्योंकि खाली इंसान परमेश्वर की प्रस्तुत ओदी महिमा ओदी वड्याई ओदी प्रेस नहीं कर सकता पर जो आत्मा दियां गल्लां नाल भरिया है वो खूब ओदी प्रेजेंस जिवें दाऊद करदा सी क्योंकि दाऊद किदियां किदे वचनां नाल भरिया सी इसलिए दाऊद रूह और आत्मा तो ओदी आराधना करता सी। इसलिए असी इस तरह करांगे आत्मा नाल भर के बोलो कादे नाल क्योंकि शरीर विच क्योंकि जो खाली शरीर है इसलिए प्रभु ने कहा कि हर मनुष्य नु नया जन्म लेना की है जरूरी है। बोलो की है नया जन्म एक तो असी पाप तो जन्मे किन्ने लोगों नु पता असी पाप तो जन्मे और पाप ते जीवन च प्रॉब्लम है पीड़ा है बहुत कुछ है समझ रहे हो। इसलिए प्रभु ने कहा अगर उन्हें पाना है उस परमेश्वर ते नया जन्म लेना पड़ेगा। बोलो नया जन्म लेना पड़ेगा और नया जन्म की है बोलो नया जन्म की है नया जन्म है जब असीं अपने जीवन च किन्नू कबूल करते हैं किन्नू स्वीकार करते हैं और किदे नाम दा अपने जीवन च बपतिस्मा लेने हैं और विश्वास करते हैं कि वह मेरे गुनाह ते मेरे पापा लई क्रूस ते मरिया और तीसरे दिन फिर जी उठे और परमेश्वर का वचन दसदा सानू निश्चय जिन्होंने विश्वास नाल इस शब्द नू इस नियम नू कीता वो बचाए जा चुके ने वो सारे दे सारे बचाए जा चुके ने क्योंकि किसी इंसान का वचन नहीं है। इसलिए हर मनुष्य नू नए सिरे तो जन्म लेना जरूरी है क्योंकि शरीर विच तुसी आत्मा दीयां गल्लां नू नहीं समझ सकते पर आत्मा च जदों जन्मोगे तुसी हर गल नू समझ पाओगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 चेलियां तो
गिनती वधी 70 तो 120 तो प्रभु ने क्या के उन्हें क्या ये शरीर मेरा शरीर मेरा मांस तू सिखाओ और मेरा लहू पियो तो उन्होंने विचों वो आत्मा दी गल सी बहुत सारे लोग शरीर नाल उन्होंने समझी और समझ नहीं पाए तो प्रभु ने जैसे इस तरह बोलिया कि मेरा मांस और मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो वो आपस विच कुड़न लगे और आपस विच कुड़ना शुरू करता और बोलिया कि असि इहदा किस तरह मांस खावांगे असि इस तरह इहदा लहू किस तरह पी सकते लिखिया वो उस गल नूं समझे नहीं और सब ते सब उल्टे फिरे जिवें अज भी लोग जदों खुदा की हजूरी विच आंदे ने जदों उन्हां नूं समझ नहीं आंदी तो वो फिर जांदे ने पिछे चले जांदे ने जदों प्रभु ने जदों इस तरह उन्हां नूं समझाया कि मेरा मांस खाओ वास्तव दे विच मेरा शरीर एक मांस खाण की वस्तु है और मेरा लहू पीण की वस्तु है तो इन्हूं खाओ और पियो तो उन्होंने आपस कुड़ना शुरू किया कि असं किदा इहदा मांस किस तरह असं लहू पीवांगे और लिखिया वो गल नूं समझे नहीं और सारे उल्टे फिरे और प्रभु नूं छड्ड के चले गए कि हो गए प्रभु नूं छड्ड के सारे दे सारे प्रभु नूं छड्ड के चले गए और प्रभु ने एक बारी भी उन्हां नूं जाके जताया नहीं क्योंकि वो अजे इस योग नहीं सी बोलो इस योग नहीं सी इसलिए क्यों लिखिया उसके योग चाल चलो तो उल्टे सब चले गए छड्ड के प्रभु नूं और पतरस जो 12 विचों एक सी और आया और उन्हें आके जदों आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ तू भी जाना चाहना है क्या तू भी जाना चाहना है तो उन्हें कहा प्रभु अनंत जीवन दियां गल्लां तो तेरे को लिया तेनू छड के मैं कित्थे जावां अनंत जीवन दियां गल्लां तो तेरे को लिया तेनू छड के मैं कित्थे जावां अच्छा कित्थे जावांगे बोलो कित्थे जावांगे अगर किसी इंसान का कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है जां उहदे जीवन च कोई पीड़ा है तकलीफ है कुछ भी है उन्हें कोई भी कमी है घटी है फैमिली प्रॉब्लम है मनी फाइनेंशियल उहदी प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम उहदी हो सकती है बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है उहदी बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है पति की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी हो सकता है कारोबार की चिंता किसी भी चीज की मन लो अगर वो चीज नहीं हुई तो फिर असि कित्थे जावांगे सोचो क्योंकि क्योंकि पतरस इस गल नूं चंगी तरह समझ चुका सी जड़े वो जड़े सब उल्टे फिरे और छड़ के चले गए वो नहीं समझे पर पतरस इस गल नूं जान चुका सी की चक्का सी वो जान चुका सी इसलिए जदों प्रभु ने कहा कि हाँ तू भी जाना चाहना तो उन्हें बोलिया प्रभु मैं अनंत जीवन दियां गल्लां तो तेरे को लिया तेनू छड़ के कित्थे जावां अगर मन लो प्रभु दी पाक पवित्र हजूरी विच कोई आया है बोलो की है अगर आया है अगर तो जीवन च कोई समस्या पीड़ा है अगर उन्हें समझ नहीं आ रही और दे जीवन च वो पीड़ा जा नहीं रही बोलो की है अगर तो जीवन च वो प्रॉब्लम जा नहीं रही बोलो अगर वो छड के चले जाएगा बोलो छड के अगर मान लो वो प्रभु नूं छड के जा रहा है कि मेरा काम तो होया नहीं तो कित्थे जाएगा कि किदे कोल पाएगा क्योंकि दुनिया दा परमेश्वर एको ही परमेश्वर है समझ लो कित्थों लभेगा जीवन कित्थों पाएगा पा सकदा कित्थों इसलिए जरूरी है बेहतर है कि छड के जानने नूं आपां उहदी गल नूं समझिए और तीरस करिए और विश्वास करिए अगर तुहानू नहीं किसी नूं समझ आती तो अगर तुहाडे जीवन च कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है असी इसे लिए बोलो की असी इसे लिए तुसी लगातार जदों कोई मरीज डॉक्टर कोल जांदा है अगर मरीज सीरियस है तो डॉक्टर कदी कदी मैं अपने जीवन च भी जदों मैं संसार विच सी मैं भी बीमार होया मैं बहुत सारे लोगों नूं भी देखिया डॉक्टर ने अज अगर उन्होंने मेडिसिन दी कुछ किया तो उन्हें बोलिया कल भी आना अगर कल आया उन्हें कहना परसों भी आना
क्योंकि उन्हें जरूरत है। बोलो कि आजे उन्हें जरूरत है आजे। अगर मन लो थोड़े जीवन च कुछ इस तरह है, बोलो कि अगर थोड़े जीवन च कुछ प्रॉब्लम है, तुसी आज भी आओ, कल भी आओ, परसों भी आओ, समझने जब तक तनु समझ नहीं आंदी, जब तक थोड़े अंदर वो वाला विश्वास बंदा नहीं, मतलब जब तक तनु समझ नहीं आंदी, जब तक थोड़ा विश्वास नहीं बनता, संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर ते नहीं बनता, तद तक ओदी आवाज नु ओदियां गल्लां नु सुनदे रहो। क्योंकि वचन च लिखा जिन्हें तनु अपने कोल बुलाया है वो सच्चा है, जिन्हें अपने पुत्र यीशु मसीह दी संगति च तनु बुलाया वो सच्चा है। बोलो की आओ कि झूठा है, सच्चा है। और उन्हें सारे वादे कादे विच कीते ने, हां दे विच कीते ने। अगर तेन समझ नहीं आ रही तो ये दोष परमेश्वर का नहीं है, असी समझना है। इसलिए बाणी च लिखा जिन्हों बुद्धि का घाट आया वह सब तो पहला बुद्धि मंगे, समझ मंगे, ताकि उन्हें समझ आ जाए। इस तरह नहीं है कि उन्हें मंगू समझ, उल्टे सब छड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने आत्मिक गल समझ नहीं आई। कि नहीं आई, अज भी लोग जो प्रभु की हजूरी चो चले जाते हैं, उन्होंने आत्मिक गल समझ नहीं आती कि जीवन की है, सच की है, और परमेश्वर का प्रेम किया जेड़ा उन्हें इस जगत नाल किया। इसलिए बिना समझे जिवें ओ छड़ के चले गए, पर पतरस इस गल नू चंगी तरह जानता सी। बोलो पतरस इस गल नू चंगी तरह जानता सी, इसलिए उन्हें ओ शब्द बोलिया। इसलिए प्रभु ने उन्हें कहा पतरस तू तान्या, क्योंकि गल लहू अते मांस ने नहीं, तेरे उत्ते पवित्र आत्मा ने प्रकट की है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो किन्ने गल ने कीती प्रकट? आत्मा ने, लहू अते मांस ने। जब असि आत्मा दी गल्लां नूं समझण लग पैंदे आ और चलना शुरू हो जांदे आ, असि चंगा माड़ा सब कुछ समझते हैं, सही किया गलत किया। जो इंसान शरीर च है उन्हें कुछ नहीं समझ आती। बोलो किया, इसलिए प्रभु ने कहा अंधा अंधे नु मार्ग की दिखाएगा। एक बंदा खुद अंधा है, अंधे नु मार्ग दिखाएगा, लिखा दोनों खड्डे च पैणगे। अन्ना अन्ने नु मार्ग दिखा सकता है। तुसी दुनिया की सलाह लोगे, हाँ जी मेरी ये प्रॉब्लम है जी, मैनु दसो मैं की करा, किस तरह हो सकता हल? प्रभु ने कहा अंधा अंधे नु मार्ग च दिखाएगा और दोनों खड्डे च पैणगे। समझ रहे हो? इस करके जो शरीर च है वह नहीं समझ पाएगा, पर आत्मा उन्हें नहीं समझ आएगा, सही किया, बुरा किया, गलत किया, मेरा रोल किया, मैं की करना है, मेरा की फर्ज है, मेरी ड्यूटी की है परमेश्वर के नाल, जो मैं करना है, जो मैं करना है। समझ लगे? अगर तुम नहीं इस गल नु समझे, थोड़ा जीवन जिथे खड़ा उथे खड़ा रहेगा। इजरायलिया वांग वो 450 साल दुख सहते रहे, पर एक दिन याद आया कि साढ़े पुरखा उस परमेश्वर नु मनते सी, की करते सी, और उन्होंने उसकी दुहाई दी और लिखिया उन्हों की आवाज परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंची। और किनू भेजा? मूसा नु भेजा, समझ, और उन्होंने छुटकारा दिता। समझ रहे हो? इस करके अगर कोई इंसान जा रहा है जो उसके जीवन च कुछ हो नहीं रहा, तुहानू जरूरत है प्रभु दीआं गल्लां नूं समझण दी, उन्हां अपने जीवन च पूरियां करन दी। समझ आई की लोड़ है उन्हूं समझण दी? मैं सोचदा जिहड़े इस टाइम आंदे ने वो की आस रखदे ने, जिहड़े इस टाइम आ रहे ने अजे भी वो की आस रखणगे परमेश्वर दे कोलों? क्योंकि मनी जो इस तरह इकल सी, क्यों वचन च लिखिया सुलेमान जिहनूं परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दित्ती, उन्हें क्या है आलसी चीटियां देख, कीड़ियां देख, जो बोर से लेके शाम तक परिश्रम मेहनत कर दिया ने। की कर दिया ने? एक छोटा जा जीव है कीड़ी, समझ नहीं, उस सवेर तो लेके शाम तक मेहनत कर दिया, समझ नहीं। परमेश्वर तो तैयार है, बोलो की हां, वो तुहाडे हिसाब नाल नहीं, तुहाडे हिसाब नाल काम नहीं करदा, मना दे हिसाब नाल और मना दे अभिप्राय दे नाल, उस पले अभिप्राय दे नाल, उस प्रेम दे नाल काम करता है जो तुसी इस जगह ते लेके आंदे। बोलो कौन है वफादार? कौन है
वफादार कौन है? अपने आप नू अंदर चाकी मारो, क्योंकि वचन च लिखा जिथे दो तीन ने उथे कियम है। जो इतनी परमेश्वर की प्रेजेंस शुरू हो जाती है, जो इतने दो तीन पहुंच जाते हैं उथे, उदो कौन आ जाता इस जगह? कौन आ जाता? कौन इस जगह? और कौन है परमेश्वर जी? तुम पता होना चाहिए, समझने के नहीं समझते। जिथे दो तीन ने प्रभु ने कहा उथे मैं मौजूद हाँ। तो जो इतने परमेश्वर मौजूद है, वफादार कौन है? सच्चा कौन है? असी के हो? बोल कौन है? असी हाँ के हो? समझ दे। इसलिए असी भी जिवें परमेश्वर है, परमेश्वर तो अपने हर नियम का हर गल का पक्का है, पर असी पक्के नहीं। इसलिए लिखा अपने सद्दे अते बुलाए जाने पक्कियां करन दा की करो? यतन करो, यतन, क्योंकि हर काम यतन कोशिश नाल हुंदे ने, अपने आप नहीं हुंदे। हर काम जतन दे नाल, कोशिश दे नाल होने ने, अपने आप नहीं होने। जे तुहाडे मन दे अंदर चाहत है, प्यास है, तो तुसीं जतन दे नाल हर एक काम करोगे। अगर कोई संसार दा काम रह भी गया तो छड्ड दोगे, कोई गल नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि असीं किदी हजूरी च पहुंचना, बोलो किदी हजूरी च पहुंचना? किदी हजूरी च? अगर तुहाडे कोई साथ आ, अगर सगों उह लेट आ, तो उन्हूं भी समझाओ। बोलो, क्योंकि वचन दसदा दूसरियां नूं चितारो, दूसरियां नूं भी समझाओ। अगर तुसीं नहीं समझे तो तुसीं दूजे नूं कित्थों समझा पाओगे? समझ रहे हो? इसलिए प्रभु ने कहा कि नए सिरे जन्मना जरूरी है। बोलो कि नए सिरे जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी शरीर च आते असीं आत्मा दीआं गल्लां नूं नहीं समझ सके, इसलिए सानूं आत्मा च जन्मना पएगा। और आत्मिक बंदा हमेशा आत्मा दीआं गल्लां ते मन लाउंदा है। किहदे ते मन लाउंदा है? आत्मा दीआं गल्लां ते मन लाउंदा है। और उह कुछ पांदा है, वह परमेश्वर कुछ कुछ पाता है, और पान की आस ली आया। असं वीरवार भी दस रहे सी, लंगड़ा जो जमांदरू परमेश्वर के भवन के है ना, एक हैकल से जिथे आराधना करन दे लई जांदे सी, लिखा वो बाहर उन्हों बिठा देंदे सी। और पत्रस यूहन्ना जा रहे सी, लिखा तीसरे पैर हैकल दे विच प्रभु की आराधना दे लई, ते वो कुछ पान की आस रख लगा। की रखा? तो उहदे अंदर कुछ चाहत सी, क्योंकि जानता सी कि इस जगह से जेड़े अंदर बंदे जाते हैं वह खुदा के सच्चे बंदे ने। कि बंदे ने? खुदा के बंदे ने, आराधना करने वाले। तो अंदर ही चाहत सी, तो परमेश्वर ने उहदे मन नूं वेख्या, और पत्र यूहन्ना ने उहदे अंदर उस चाहत नूं, कुछ पाउण दी चाहत नूं देखिया, और बोलिया सोना चांदी तो नहीं है साडे कोल, पर जो साडे कोल है असीं दिंदे हां। यीशु मसीह नासरी दे नाल कियो जा, क्यों जा? चल फिर। लेकिन तुरंत उस गल नूं अपने जीवन च ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें शरीर नाल नहीं आत्मा दे नाल लिया। उस वचन नूं शरीर नाल नहीं आत्मा नाल लिया। जो तुसीं कोई भी गल प्रभु दी शरीर नाल नहीं आत्मा नाल लैंदे हो, तो कारी करन दी है, तुहाडे जीवन च कम करदी, क्योंकि परमेश्वर दा वचन चुंदा है। जो तुसीं चाहत नाल उस गल नूं, जिवें उस जमांदरू लंगड़े ने लिया कि सोना चांदी तो नहीं है, पर जो साडे कोल यीशु नासरी दे नाल, चल फिर। कि फिर? चल फिर। तो लिखिया उसे कड़ी उदे गुटनियां च, उदियां लत्तां च जान आ गई, और उछल लगा, और खुशी नाल किदी प्रेस, किदी वड़ियाई कर लगा। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, ताकि ऐसी प्रेस मेरे जीवन में भी आए, ऐसी ग्रेस मेरे जीवन में भी आए। अगर असी कुछ पाना चाहते हैं, बोलो, अगर असी पाना चाहते कुछ को, तो अपन शरीर दिया गल्ला, शरीर दिया मन दिया चीजा छड़ के आत्मा दिया गल्ला च आना पड़ेगा। कहदे च? क्योंकि परमेश्वर की है, एक आत्मा है। इसलिए प्रभु ने कहा जिन्नी उदी भक्ति करना चाहते ने, कादे नाल करन? आत्मा ते सच्चाई नाल, शरीर नाल नहीं, आत्मा ते सच्चाई नाल उदी भक्ति करन। और जो करेगा वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। असी संडे सुनिया सी ना वचन, संडे सुनिया सी, पै डर, डर सुनिया सी ना, कि जिदे जीवन च डर नहीं है। पिछले संडे सी सुनिया डर दे बारे,
कि परमेश्वर का जिहड़ा भय है जिहड़ा डर है तुहाडे अंदर होना चाहिए। अगर हैगा नहीं है तो तुसी कुछ भी करोगे, क्योंकि शरीर एक व्यक्ति कुछ भी करेगा पर आत्मा आत्मिक बंदा डरेगा और उसका पैर रखेगा, डर रखेगा और अपने मन सोचेगा कि गलत चीज़ है, मैं नहीं करांगा। चोरी गलत है, चुगली गलत है, विरोध गलत है, रोष गलत है, किसी ते दोष लाना गलत है, समझ गया? तो चीज नु नहीं करेगा, बोलो वो नहीं करेगा। इसलिए असि सारिया ने शरीर दियां गल्लां नु छड्ड के और आत्मा दियां गल्लां नु फड़ना है। बोलो किदे ना, किहड़ियां गल्लां नु? शरीर दियां गल्लां नु छड्ड के और आत्मा दियां गल्लां नु फड़ना और उन्हां च वधना है। बोलो किच वधना? सी आत्मा दियां गल्लां च। और जो तुसी वधोगे उन्हां चीज़ां च, परमेश्वर दा अनुग्रह तुहाडे ते किन्ना आएगा तुसी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ने कहा मैं अब जहा समर्थी हाँ, जो तुम सोचते ते मंगते मैं तो कई गुना ज्यादा कर सकता। कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता तो कर सकता। इसलिए हमेशा अपने मन में खुदा दे उस प्रेम दे ली, उसकी चाहत दे ली, हर समय जिवें लिखा समय असमय की रहो तैयार रहो। ये तो एक समय है, अज तो की है समय है, समय असमय की रहो। अगर नहीं है तद भी लिखा तैयार रहो, ये तो समय है। किदी प्रेजेंस, किदी किदी स्तुति, किदी वड्याई करन दा समय है कि नहीं समय? इसलिए वधदे जाओ, कि जाओ वधदे जाओ उस ते प्रेम च, क्योंकि परमेश्वर सदा अंत तक तुहाडे नाल है। आमीन। आओ असी अज दे परमेश्वर दे कीते होए कम्मां नूं सुणांगे, जो अज परमेश्वर ने साडे विच अपने कम्मां नूं कीता है। असी उन्हां टेस्टमनी उन्हां गवाहियां नूं सुणांगे और जिन्हां ने भी अपनी टेस्टमनी अपनी गवाही है सब साइड ते आ जाओ जल्दी। सब अपनी अपनी टेस्टमनी जिन्हां ने भी अस अपनी गवाही नूं लिखाया एक साइड ते आ जाओ सारे, क्योंकि गवाही भी एक परमेश्वर का वचन है। बोलो गवाही भी एक परमेश्वर का की है? वचन है जिन्हों असी अपने जीवन च लैने अरे विश्वास करते हैं। जो मत्ती मरकस लूका यूहन्ना है जो प्रभु ने बहुत सारे काम किए ने, वो भी एक गवाही है। बोलो क्या एक वो गवाहियां ने जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अन्ने लंगड़े टुंडे कोड़ियां नु की किया शुद्ध किया। इसीलिए वो इस वचन च रखिया गई ने गवाहियां, ताकि असी उन्होंने पढ़ के विश्वास करिए और ये चाहत करिए कि हाँ अगर उन्होंने जीवन च परमेश्वर ने काम किए हैं तो निश्चय साढ़े नाल भी करेगा। बोलो की करेगा? निश्चय साढ़े नाल भी करेगा, क्योंकि किदा वादा है? बोलो किदा वादा है? बोलो किदा वादा है? परमेश्वर का वादा है, समझ गए? ठीक है, शुरू करो। विश्वास किया और मन तो लिया और दस रहे कि उस तो बाद मेरी पत्नी को परमेश्वर ने आशीष दी बरकत दी और परमेश्वर ने बेटे के नाल ब्लेस किया और दस रहे ने कि जो बेटा तो होया लेकिन डॉक्टर ने 11 महीने की 22 तारीख दी थी लेकिन इन्होंने पत्नी ने बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई और दस रहे ने कि रात के समय असीं दोनों जिया ने बैठ के परमेश्वर के प्रार्थना की थी कि परमेश्वर तुसीं सब कुछ कर सकते हो, परमेश्वर जो सानू 22 तारीख दी आ और दर्द बहुत ज्यादा आ, परमेश्वर तुसीं सानू कल ही ब्लेस कर चुके इस बेटे दे नाल और दस रहे ने कि जो असीं प्रार्थना की थी तो नेक्स्ट डे जो अगले दिन ही हॉस्पिटल विच लेके गए और परमेश्वर ने जो उन्हां नूं 11 दी 22 तारीख दी थी 11वें महीने दी और परमेश्वर ने अगले दिन ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच इन्हां दी पत्नी नूं बेटे दे नाल ब्लेस कर दित्ता। सुनो 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 और दस और दस रहे ने कि जो बेटा होया भी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा वाद कर रही थी और डॉक्टर ने बोलिया कि ये पानी की भी बहुत ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम है लेकिन ये दस रहे ने कि अपने दास को जो इन्होंने दसिया और दस रहे ने अपने दास ने जो प्रेयर की और परमेश्वर ने अस्सी वाले धड़कन तो और पानी की प्रॉब्लम तो भी आजाद कर दिता शब्द सामर्थ हो जाता नाम। सुनो सुनो
गवाही जो असीं किसी की सुनते हैं तो असीं एक तो खुश भी होंगे कि हाँ परमेश्वर ने काम किया है, पर अगर जिसके जीवन च नहीं होया सब तो पहला उन्हें जानना पवेगा कि उसके जीवन च किदा होया, उन्हें ब्लैसिंग उन्हें आशीष किदा मिली अगर किसी को नहीं मिल रही, पर जो उन्हें किया है तुम्हें जानना पवेगा कि उन्हें की किया है, उन्हें कैसा मन बनाया, कैसा विश्वास बनाया, किस चाहत नालों प्रभु की हजूरी विच आते रहे, की करते रहे, की हुक्म की आज्ञा उन्होंने नियम नु मनिया, समझ गवाही सिर्फ इदा नहीं है, गवाही नु हाँ परमेश्वर ने काम किया, पर गवाही ने तो ही इस तरह लेना अपने जीवन च कि ये जीवन च किस तरह होया, समझ रहे जो इन्हें किया तू भी करना पवेगा, समझ अगर इन्हों की शुरुआत की असी टेस्टमनी तुम दसीए तो जो इन्हों की पत्नी मैंने शादी तो इन्हों की तो पहला तो जानती सी, पर जो शादी होगी तो वो अपने सहुरे परिवार चलेगी और फिर मेरा कोई वो को लता पता नहीं सी, कोई नंबर नहीं सी, तो वो जीवन जो प्रॉब्लम आई ये तो ऑलरेडी बचपन तो ये मसीह च ने, ये बचपन तो मसीह विच ने, पर ज़्यादा कुछ जानते नहीं सी प्रभु लिए, चर्च तो बचपन तो जा रहे ने पर ज़्यादा नहीं पता सी कुछ भी प्रभु दिया नियम की ने आख्यावान की ने और किवें परमेश्वर काम करता है, पर इन्हां दी पति पत्नी इन्हां दी मैनूं जानदी सी कि जिस तरह असीं लोकां नूं समझाने आ सिखाने आ कि परमेश्वर का काम करन दा तरीका की है जिहड़े लोग समझ नहीं समझदे आ, तो उन्होंने पता नहीं सानूं किस तरह साडा मेरा नंबर पता नहीं कित्थों पता करके लिया और गल की और मैं इन्हां नूं कोल बुलाया अपने और मैं समझाया फिर इन्हों कि परमेश्वर का काम करने का तरीका की है, और ये तदों आए जो इन्हों की पत्नी दे दो मिसकैरेज हो चुके से, क्यों चुके से दो मिसकैरेज हो गए, दो बेबी समझ रहे हो दो मिसकैरेज हो गए, तद ये परेशान से, फिर मैं सिखाया इन्होंने कि किस तरह परमेश्वर काम करता है, और जो फिर भी जो ये प्रैगनेंसी जो मैं सिखाया और परमेश्वर ने ब्लैस किया और डॉक्टर ने जो इन्हों जो दो मिसकैरेज हो गए और डॉक्टर ने इन्होंने दसिया कि तुम अपना ट्रीटमेंट इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि जी थोड़ी यूट्रस या बच्चेदानी और बहुत कमजोर है, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए पहला वह ट्रीटमेंट वह इलाज कराओ, और ये परेशान से और मैं इन्होंने जो समझाया कि परमेश्वर का काम करने का तरीका की है और ये समझे और समझ के इन्होंने उस अनुसार करना शुरू किया, परमेश्वर ने ब्लैस किया जो तो ब्लैस फिर परमेश्वर ने इन्होंने बच्चे के लिए आशीष दी, तो तदों भी जदों जिमें तीन महीने का टाइम है तो इन्होंने अंदर एक डर से इन्हों की पत्नी थे, तो मैं इन्होंने समझाया डरन की जरूरत नहीं, मैं जिमें जिमें इन्होंने सिखा गया समझा रहा और ये करते रहे की करते रहे जिमें जो इन्होंने मैं समझा रहा और ये करते रहे समझते हो, और परमेश्वर ने पहला भी जदों इन्हों की पत्नी प्रैगनेंट सी पहला भी परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी और अज फिर दूसरी बार भी परमेश्वर ने की दी बेटे की आशीष दी, और मैं पहले कह चुका इन्होंने कि तुहाडे बेटा ही होना है, अजे बच्चा पैदा भी नहीं होया, मैं इन्होंने पूछू इन्होंने मैं पहले ही कह चुका है तुहाडे घर बेटा होना है, पूछ लो भाई क्यों जी माइक तो बोलिया है छे महीने पहला बोलिया कि तुहाडे घर की होना है बेटा ही होएगा, वाई क्यों क्योंकि मैं जानता हूं समझ क्योंकि हर गल विच मैं परमेश्वर का एक दास हूं, अगर तुम मेरिया गलों आत्मा नाल नहीं लोगे शरीर नाल लोगे तो खुदा काम भी नहीं करेगा क्योंकि मैनू ठहराया मैनू नियुक्त करने वाला परमेश्वर समझ क्योंकि मैं किदियां गल्लां दसदा, तो इन्होंने उस गल नू आत्मा दे नाल लिया शरीर नाल नहीं समझ रहे हो, इसलिए मैं भी परमेश्वर की आशीष भी इस तरह मिलती है समझ रहे हो, तो मैं 6 महीने पहला ही बोलिया समझ रहे हो, और अज परमेश्वर ने दूसरा भी बेबी किया
बेटे की आशीष दिती है और जो सगा जिदे कोल नहीं है जिन्हें अज तक वो आशीष नहीं पाई जिवें दा मन इन्हां और इन्हां दी पत्नी ने बनाया वो भी बनाई क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। बोलो करदा पक्षपात, बोलो पक्षपात करदा परमेश्वर, वो इक्वल सबना बराबर प्रेम करता है। बोलो वो पक्षपात नहीं करता, अगर इन्हां नाल कीता तो उन्हां नाल नहीं है, पर शायद जो इन्हां ने कीता तुहानू भी करना पएगा और परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा और तुहाडे नाल भी करेगा। कदी कदी इंसान सोचता है, इसलिए उन्हें कहा हे इंसान तेरे विचारा और मेरे विचारा च हो सकता है अगर किसी को नहीं मिलिया जा होया नहीं तो बोलेगा लो मैं क्यों नहीं किया, मैं तो शरीर नाल सोचेगा मैं केड़ी चीज़ है जी मेरे जीवन चो मैं नहीं की। पर परमेश्वर अपने वचन च इंसान को कहता तेरे विचारा और मेरे विचारा च की है, जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है, समझ रहे हो कि तेरे विचारा और मेरे विचारा च की फर्क है। इसलिए परमेश्वर की गल नू स्वीकार करना है, शरीर दी गलां नू छड्ड के आत्मा दी गलां नू फड़ना, क्योंकि जिन्ने सानू अपने कोल बुलाया है इस संगति च लिखिया वो सच्चा है और निश्चय की करेगा उसका मनु करेगा। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे खुदा की, जोर से रूह से दिल से। इन्हें देख रहे हो, सारे देख रहे हो, ध्यान नाल देखो। ये पिछले संडे इन्हों को एक खुंडी सी और ये खुंडी नाल चलते हैं, समझने छड़ी जिन्होंने आप खुंडी बोलते पंजाबी, समझने तो वो चलते सी। पर जो मैं पिछले संडे हीलिंग कर रहा चंगाइया तो मैं बोल रहा कि जिन्हें को नहीं चलिया जाता वो चलो, अरे विश्वास के नाल उतों आए पिछु और इन्होंने चलना शुरू किया। कौर माता सी शायद अज आए नहीं, तो इन्होंने चलना शुरू किया की किया और अजे बिना छड़ी दे इस जगह पर आए नहीं। और ये यही विश्वास यही मन शरीर तो हटा के आत्मा ते लाणगे जिन्होंने जिस परमेश्वर ने इन्हें उस चाहत उस विश्वास नाल उस छड़ी नू छड़ाया है एक दिन तुहाडे सामने इसे जगह पर और इत्थे तुहाडे सामने ये दौड़दे फिरदे आणगे। आमीन। बोलो दौड़दे नजर आणगे क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। बोलो क्या परमेश्वर सामर्थी है। हाँ बोलो की गवाही है। तो प्रेरित जी दा नाम कुलवंत कौर या तौलकला दे रहने वाले ने, ये दसदे पए ने कि इन्हां दे गोड्यां दे विच गैप आ गया सीगा और गैप आउण दे कारण ये उठन बैठन विच बहुत ज्यादा इन्हां प्रॉब्लम सी, इन्हां दी सारी फैमिली इन्हां नू बिठाण दे सी और अगर किसी जगह ते भी जाणा और आटो च भी इन्हां नू बिठाणा पैंदा सीगा और ये दसदे मैं बहुत सारी मेडिसिन भी लई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पै रहा सीगा और ये दसदे थोड़ा मेडिसिन जो लई तो थोड़ा फर्क पिया लेकिन ये डंडे नाल तुरना शुरू कर दिता इन्होंने लेकिन दस रहे कि बहुत सिर तो मैं बहुत ज्यादा दर्द होती सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती सी मेरे जीवन में लेकिन जो रब के दास ने पिछले एतवार बोलिया कि जिन्होंने लत्तां दी गोड्यां दी प्रॉब्लम आ और यीशु के नाम के चंगे होने ने पूरे विश्वास के नाल तुरो और ये दस रहे ने कि मैं पूरे मन तो उस वेले अपनी चेयर तो खड़ी हुई और परमेश्वर अगे प्रार्थना करके चलना शुरू कर दिता और ये दस रहे ने कि और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ इन्होंने उस दिन तो बाद कोई सोटे के नाल नहीं कोई डंडे के नाल नहीं तोड़ रहे हमने अपनी लत्तां के नाल तोड़ रहे ने और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से दिल से, क्योंकि जितना भी काम परमेश्वर ने किया बहुत है और वो आज और भी करेगा। हालेलुया। प्रेज नंदना सुमने सोया पिंड दे रहण वाले आ और असी सब ने तीन हफ्ते पहला भी इन्हों की टेस्टमनी सुनी सी इन्हों के पति कोलों और अज साडे विचकार ने और इन्हों की भी चाहत ही कि अपनी गवाही देनी आ और इन्होंने दस्या है कि जिस दिन इन्हों की डिलीवरी होनी सी
तो इन्हों की जो डिलीवरी हो गई सी तो उस तो बाद इन्हों सह लैन काफ़ी प्रॉब्लम आ गई सी, इन्हों सह नहीं सी सही तरह आ रहा, तो प्रेर जी थोड़े द्वारा इन्होंने प्रे हुई और कुछ समय बाद इन्हों उस समय इन्हों की जो सह की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने वधिया कर दी और इन्होंने दसिया कि इन्हें दो बारी मिसकैरिज भी हो गए से, तो इन्होंने परमेश्वर बने रहे और अपने लिए चाहत करते रहे, तो परमेश्वर ने इन्हों बचे ना आशीष किया और अज परमेश्वर ने इन्हों जो कि बेटा बेटे के नाल इन्हों ब्लैस किया हुआ वा और इस वड्डी गवाही दे यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे खुदा की। जोर से जोर से तारीफ करें। और ये दस रहे थे कि रात के समय बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन दस रहे कि इन्होंने मम्मा ने इतने आए थे और तेल के उत्ते इन्होंने प्रार्थना करके खड़े और ये दस रहे थे कि जो वो ऑयल नु लगाया और जब नेक्स्ट अगले दिन वो वॉशरूम पे ले गई और परमेश्वर ने उन्होंने आजाद कर दिया शुभ दिन सामर्थ्य नाम से। सुनो तू कुछ भी विश्वास नाल शरीर नाल नहीं विश्वास नाल अपने जीवन ग्रहण करोगे तो परमेश्वर आत्मा काम करेगा। कुछ भी विश्वास नाल कर दियो बोलो तो किदा आत्मा काम करेगा। विश्वास नाल कीता और खुदा ने आजाद कीता। जोर से तारीफ करें। प्रेर जी इन्हां दा कुलविंदर कौर है लद्देवाल पिंड तो आया और इन्हें दस्या कि स्कूल विच डिगन दे कारण इन्हां दी लैफ्ट साइड बांह विच सट लग गई और इन्होंने पट्टियां भी करवाइयां सी पर दर्द नहीं सी हटदी भी और इन्हां दी बांह भी पूरी तरह तां नहीं सी जांदी और पिछले संडे प्रेयर जी तुहाडे मुख तो हीलिंग हो रही सी कि जिन्हां दीआं हड्डियां विच कोई प्रॉब्लम है जां कमजोर है अज परमेश्वर उन्हां नूं वधिया कर चुका वा, तो इन्हां ने उस समय पूरे मन तो विश्वास किया और रिसीव किया उस गवाही नूं और इन्हां दस्सिया कि जो मेरी बांह पूरी तां नहीं सी जांदी परमेश्वर ने उस दर्द तो भी दूर किया और बांह भी हुण इन्हां दी पूरी तां जांदी आ और परमेश्वर ने उस दर्द तो इन्हां नूं पूरी तरह आजाद कर दिता। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर दा धन्नवाद करदे ने। जोर से प्रवीण आ पंडोरी तो आए आ और इन्होंने दसिया कि इन्होंने जीवन में पाप काम करता रहता सी और पाप के कारण इन्होंने शरीर से कई तरह हालात भी आ जाते कई बार और इन्होंने दसिया कि जिस दिन प्रभु भोज से और जो तो प्रभु भोज लैन लगे तो इन्होंने अंदरों आवाज़ आई और पाप ने इन्हों आवाज़ दी कि चाहे तू प्रभु भोज लै लै पर मैं फिर भी तेरे जीवन चो नहीं जाना और इन्होंने उस समय डांटे और पूरे विश्वास ने इन्होंने प्रभु भोज लिया कि मैं परमेश्वर की बच्ची हाँ और मैं विश्वास कर दी कि आज प्रभु भोज लिया तो बाद मेरे जीवन च कोई हालात नहीं रहेगा और मैं बिल्कुल वधिया वा और कहें कि इवें होया जब मैं विश्वास न लिया और प्रेर जी थोड़े मुख तो उस दिन वचन आया सी कि जो तुम सब एवं धन्यवाद और प्रार्थना में बने रहो और इन्होंने इस वचन को लिया और परमेश्वर एवं प्रार्थना और धन्यवाद करते रहे अपने घर में, तो कहें कि हम मेरा शरीर जो पूरी तरह ना वधिया वा और उस दिन तो बाद कोई भी पाप ने मैनू कभी भी नहीं जकड़िया और ना ही कोई इवें बुरे ख्याल ही आए और परमेश्वर ने इन्होंने बिल्कुल वधिया कर दिता वा और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। किन्ने लोग उस दिन प्रभु भोज में शामिल सी तुहाडे हाथ खड़ा करो जिहड़े आए सी प्रभु भोज दे विच, क्योंकि परमेश्वर का जो समय आ उस गल नूं जिवें जदों प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की गल उन्हां नूं समझाई जिवें अज असीं सिख रहे हां, तो उन्होंने कहा कि प्रभु नूं कहा कि तू इज़राइल नूं राज्य होने देगा, तो परमेश्वर कहा जिहड़ियां गल्लां उन्हें अपने वस विच रखियां उन्हां नूं साडा कम नहीं आ जानना। इसलिए कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां परमेश्वर तुरंत करदा है साडे जीवन च जो असीं सोचिया नहीं, मैं भी नहीं बोलो मेरा भी कोई प्लैन नहीं है कि अज प्रभु भोज अज इदां करांगे,
ਕਿਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਮਝ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਔਰ ਫੜੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਔਰ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਖਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 10 ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 9 ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਰੂਹ ਸੇ ਦਿਲ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਗਲੀ ਮਤਲਬ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ
बिल्कुल एकदम सिर तक के सिर विच भी जख्म बन गए। अज तुहाडे सामने आ बच्चा और बिल्कुल बॉडी साफ है क्योंकि किन्ने काम किया, इसलिए उस खुदा दे लई सच्चे परमेश्वर दे लई जोर से तारीफ करें, जोर से जोर से। मैं फिर कह रहा कि जो तो अस खुदा का आत्मा फिर तो उन्होंने छूएगा जो शास नाल और चाहत और उस प्रेम नाल इस जगह उस मन नू जो किनू कौन जानता है, कौन जानता बोलो, अगर वो अज भी वो चीज लेके आए नहीं तो अज भी परमेश्वर आत्मा छूएगा, बोलो अज भी छूएगा। तो इसलिए आओ असी अपने बीस नू गोवांगे प्रभु दे अस पले उन्हें कम्मां दे लई, और जो बोंदे ने लिखिया वो कटदे ने, पर जिहड़ा शरीर विच आ असी सुनिया अज जिहड़ा शरीर विच आ इंसान बो नहीं पाएगा क्योंकि उहदा मन अजे आत्मा ते नहीं है, शरीर ते है, पर जो आत्मा च आ गए ने वो खुदा दी हर गल हर नियम ने उहदे हर काम नू पूरा करने के बोलो की करने गए, क्योंकि जो शरीर विच आ शरीर विच जन्मिया वो इस नियम नू नहीं कर पाएगा, पर जिहड़ा आत्मा च जन्मिया वो करेगा। वो कैसी भी उहदे जीवन च प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कैसी भी समस्या नहीं है, वो अपना जरूर अपनी अपना सीड अपना टाई अपना दशमांश अपनी कमाई का दसवां अंश जो परमेश्वर के पवित्र वचन च लिखिया वो बोएगा और वो कटेगा यीशु मसीह के नाम च। जो शरीर विच ने वो नहीं कटेगा, पर जो आत्मा च ने वो कटेगा, और जो इंसान परमेश्वर का डर उहदा पैर रखता है कि रखता जो उहदा डर अते पैर रखता है, इसलिए आओ अपने सीड नू अपने टाई नू अपने बीस नू अपने हाथ विच लो, सब अपने हाथ विच लो, क्योंकि तुसी जानदे नहीं है अगर तुसी आत्मा चो तो जानदे नहीं कि किन्नी वड्डी आशीष है तुहाडी छिपी हुई इस नियम विच की है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, इस वचन च लिखा जिन्ना कोई बीजेगा उन्ना ही, परमेश्वर दास पौलुस जी ने कहा कि जिन्ना कोई बीजेगा उन्ना ही वड्डेगा, पर जो शरीर विच ने उह नहीं कर पाएगा। मैं फिर कह रहा आत्मा च आ ते तुसी करोगे क्योंकि उहदा मन अजे किथे आ, संसार दीआं चीज़ां ते आ, संसार वाली चीज़ ते उत्ते आ, समझदे हो। इसलिए विधवा ने जदों बोया तो लिखिया उन्हें अपनी जीविका बो दी, तो परमेश्वर ने कहा इन्हें सब तो ज़्यादा बोया, समझ रहे हो, और बोन वाला कटेगा, बोन वाला कटेगा। तो आपने अपने सीड अपने टाई अपने हत्थां विच लो और मंगो। अज मैं चाहना कि तुसी इस चीज़ लई प्रेयर करो, प्रेयर प्रेयर करो। अज सब अपने घुटनियां दे पार आओ, अपनी सीड अपने हत्थां च ले लो और घुटनियां दे पार आओ, क्योंकि नियम बड़ा पवित्र है और सानू बहुत परमेश्वर अगे ले जा सकता है। तो ये बहुत खुदा दे नाल इस सीड इस टाई दे विच खुदा दे इस काम विच बहुत वध सकते हो, आत्मिक गल्लां नू अपने जीवन च लै सकते हो, समझ सकते हो और वध सकते हो। सब घुटनियां पार होके घुटनियां पार जाओ और मंगना शुरू करो कि परमेश्वर इस नियम दे विच भी, इस नियम दे विच मेरे परमेश्वर मैं तेरे नाल और वफादार हो जाऊं, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा है। मंगो मंगो मंगो, चाहत नाल मंगो, अपने हृदय नु खोलो, अपने मन नु में खोलो, अस कि बहुत सारिया चीजा इस नियम दे नाल भी
बहुत सारिया चीजा के छुटकारे इस नियम नाल भी परमेश्वर तुहाडे जीवन च पूरा करेगा। अगर तुहाडा मन आत्मा ते है शरीर ते नहीं है तो तुसी मंगो, मंगना शुरू करो इस नियम दे लई कि परमेश्वर, क्योंकि वचन च लिखा प्रभु ने कहा जो छोटी तो छोटी निक्की तो निक्की आज्ञा भी नहीं पूरे करेगा वह परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। और ये आज्ञा परमेश्वर की वलों है, किसी इंसान की वलों नहीं है, किसी इंसान का नियम नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। और जो लोग लिखे डरते अते कंबदे हुए अपने अपने उधार के कार्य पूरा करते हैं उन्होंने जीवन च परमेश्वर अपने नेक काम के अरादे की इच्छा ते शुभ इच्छा नूं पांदा है, तुहाडे भी पाएगा। तुसीं की करना है परमेश्वर तुहानूं भी वधाएगा, तुहाडे जीवन च हर गल नूं पैदा करेगा जो तुसीं नहीं सोची। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि हमारा मन परमेश्वर की ओर बढ़े। परमेश्वर, सब बोलो कि परमेश्वर मुझे बोने वाला मन दे ताकि मैं बहुत सारा आपसे पा सकूं, और इस बीच में मेरे परमेश्वर इस सीट में इस टाइम में तेरी 100 गुना आशीष आई, तेरी 100 गुना आशीष आई, 100 गुना आशीष आई मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं खुदा इस नियम में भी आप मुझे और सिद्ध कर चुके, और सिद्ध कर चुके। आमीन। बोलो उस वर्शिप सॉन्ग नाल असीं अपने सीट नूं अपने बीस नूं बोवांगे। हल प्रभु परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद करते इस वर्शिप सॉन्ग के लिए। खुदा दा पाक कलाम कहंदा है कि तू ना डर, खुदा दा पाक कलाम कहंदा है कि तू ना डर, दादा पाके कलाम कहंदा है कि तू ना डर, ना डर के तू ना डर, ना डर के तू ना डर, खुदा दा पाके कला।
किदा कलाम केंदा बोलो किदा केंदा माइक ती बात थोड़ी शार्प करो किन्ने लोग चाहते ने कि आज भी खुदा का वचन मेरे जीवन सौ गुना फलां नु पैदा करे बोले चाहते हो कि आज भी परमेश्वर का वचन मेरे जीवन फलां नु पैदा करे क्योंकि वचन च लिखिया प्रभु ने कहा तुसी मैनू नहीं मैं तन्नू चुनिया तुसी मैनू नहीं मैं तन्नू चुनिया कि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ पर वचन च लिखिया जिहड़ी टाणी उहदे नाल जुड़ी रहिंदी है जिहड़ी टाणी उहदे नाल जुड़ी रहिंदी है उहनू और छांगदा है ताकि और फले बोलो की है जिहड़ी टाणी जुड़ी रहिंदी उहनू छांगदा ताकि फले इसलिए असीं बुलाए गए हाँ फल नूं लियाउण दे लई कादे लई फल नूं लियाउण दे लई आओ अपने अखां नूं बंद करो अपने हत्थां नूं उठाओ कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं फल लियाउण दे लई मैं फल लियाउण दे लई चुनी गई हाँ चुनिया गया मेरे परमेश्वर मैनूं किसी इंसान ने नहीं प्रभु तू चुनिया इसलिए मेरे परमेश्वर मेरा हिरदे मेरा मन तेरे वचन दे लई तेरी आत्मिक गल्लां दे लई मेरे परमेश्वर सदा तक एक दो दिस दिन महीना छे महीने साल दे लई जब तक मेरे जीवन च प्राण आ साह आ तद तक मैं खुदा तेरे वचन दी प्यासी और प्यासा रवा उन्हों लैन दे लई समय असमय मेरी तैयारी रवे खुदा और अज भी मेरे परमेश्वर मैं विश्वास कर दी विश्वास कर दा मेरे पिता तेरा जीवित वचन मेरे जीवन में काम करे और फलों को पैदा करे मेरे जीवन के अभिप्राय को जो मेरे मन की सोचे उनको आज तेरा वचन खत्म करे तेरा वचन जीवित है और दो तारी तलवार नालों तिखा है प्राण गाट और गुद्दी और मन दिया पावनावां ते विचारां नूं खत्म करता है और आज भी मेरे परमेश्वर मैं अपने हिरदे नूं अपने मन नूं तेरे वचन दे लई खोल दियां खोल दियां मैं अपने मन नूं खोल दियां मेरे लिए स्वर्ग नूं खोल मेरे परमेश्वर और इस जगह ते अपने अनुग्रह नूं अपने फजल नूं मेरे उत्ते प्रकट कर मैं विश्वास कर दियां कि अज्ज दा वचन मेरे जीवन सौ गुना फलां नूं पैदा करे सौ गुना फलां नूं पैदा करे विश्वास कर दे कि ऐसा हो चुका है मैं हर वो अंधकार की आत्मा जो तेरा जीवन चो वचन नूं चुरांदी है मैं कमांड करदा हां हर आलस और सुस्ती दे आत्मा नूं मैं यीशु दे नाम च आज्ञा करदा हर वो ऐसी आत्मा जो वचन को चुराने वाली है आप बुद्धि की आत्मा है आपको छोड़े और जाए नाउ दिस टाइम बी फ्री आजाद हो जाओ ऐसी आत्मा से जो आपको वचन आपके जीवन से वचन को चुराती है आपको समझने में मुश्किल पैदा करती है ऐसी आत्माएं चली जाए यीशु के नाम से और आपके ऊपर खुदा का बड़ा मसा आज काम करे यीशु के नाम से आमीन। तो असी सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया च अपना वचन क्यों दिता बोलो परमेश्वर ने अपना वचन इस दुनिया च क्यों दिता असी सब जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन च कहा कि मेरी प्रजा जेडे मेरे लोग आ ज्ञान ना होने के कारण की हो रहे ने नाश हो रहे और सुलेमान ने कहा ज्ञान साढ़े जीवन का कल्याण करता है बोलो की करता है क्योंकि असी जानते हैं कि यीशु मसीह किसी जाति मजहब ज धर्म दे समझते हैं जा किसी किसी धर्म बदलनी वो जीवन बदलने आया समझते हैं क्या है सब का जीवन और जेडे विश्वास करते हैं इस गल विच ईमान रखते हैं और समझते हैं उन्होंने पता है और जिन्होंने नहीं पता वो समझ जाने इस गल नूं बोलो की हो जान समझ जाने इस गल क्योंकि साडा जिहड़ा परमेश्वर दा रिश्ता आ जिहड़ा नाता आ वह की आ अज सानूं समझण दी लोड़ है बोलो की है सानूं सारिआं नूं समझण दी लोड़ है समझण दी जो तुसीं समझ जाओगे
फिर तुम खूब जियोगे परमेश्वर नाल। बोलो तुम खूब जियोगे, मन नाल जियोगे। मैं तुम दस नहीं सकता कि जिहड़ा इंसान जदों खुदा की इस सच्चाई नूं अपने जीवन समझता है और मन लगांदा है परमेश्वर नाल, फिर उहदे अगे अपने हत्थां नूं उठा के प्रार्थना करता है और मंगता है। बहुतियां नूं ते मन दोष लांदा है, बहुतियां नूं ते मन दोष लांदा रहिंदा है, बहुतियां नूं ते उहनां दा मन दोष लगांदा है, पर परमेश्वर दा वचन सानूं दिलेरी दिलेरी पैदा करता साडे अंदर। की करता है साडे अंदर? दिलेरी पैदा करता दिलेरी, क्योंकि सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ते मैं विश्वास करदी हूँ कौन है और वह की नहीं कर सकता। बोलो किन्नियां लोगों को पता परमेश्वर मरे हुए जवा सकता, जीवा सकता, सब कुछ कर सकता। पर प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले किन्ना दे लई, जो विश्वास करते हैं उन्हां दे लई। उन्हां नूं पता कि मरे हुए भी जवाउण की ताकत परमेश्वर रखता है, पर उन्हां दे लई है जो विश्वास करते की करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए असं अच्छ वचन वेखांगे कि असी कैसा विश्वास करना और कैसा रिश्ता बनाना है परमेश्वर नाल। असी लुका की पुस्तक में जावांगे ताकि तुहानूं समझ आ जाए साडा परमेश्वर दे नाल जिहड़ा रिश्ता है, नाता है, वह की है। लुका की पुस्तक उहदा एक अध्याय उदी पंज आयत तो असी शुरू करांगे, और जिन्हां दे कोल बाइबल ने अपनी सब बाइबल नूं निकालो, अपनी डायरी पेन निकालो और नोट करो अज दे वचन नूं। यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। तो समझो ध्यान में, देखिए यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल के में जकरिया नाम का एक याजक था जो पुराने ऐतनामे समझे, तो परमेश्वर की एक वेदी के उपर लिखा याजक का काम करता सी, जिवें एक सेवा करता सी। बोलो किसे एक याजक का काम, एक सेवा का काम करता सी परमेश्वर की वेदी के उपर लिखा दा तूफ जिगान जलान का काम सी। पर लिखा ये परमेश्वर दियां सारियां आज्ञावां ते विधियां ते निर्दोष चलन वाला सी। चलन वाला कौन सी है? परमेश्वर दियां सारियां आज्ञावां ते उहदियां विधियां ते निर्दोष चलन वाला सी। और अगे की लिखा उनके कोई भी संतान ना थी। हाँ। क्योंकि लीशिबा बांझ थी। हाँ। और वे दोनों बूढ़े थे। हाँ, तो लिखिया वे किसी उन दोनों किसी उन्हें दे संतान ना थी, नहीं सी। और लीशिबा क्योंकि लीशिबा बांझ थी। बांझ मतलब समझ दे, बांझ समझ दे ना सारे। बांझ किन्नू बोल दे असी पंजाबी च? की बोल दे? बांझ, बांझ जिन्हों असी बे औलाद कहने। बोलो वो बच्चा नहीं सी, मतलब वो कुख बंद सी, बच्चा पैदा नहीं सी कर सकते। बोलो पर लिखिया वो दोनों परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष और धर्मी सी और खुदा दियां सारियां आज्ञावां ते विधियां ते निर्दोष चलन वाले सी। उन्होंने जीवन च कोई दोष नहीं सी। समझ गया? तो लिखिया वो दोनों किसी बुढ़े सी, किसी दोनों बुढ़े सी। समझ आ रही सारे? दोनों किसी बुढ़े सी और अगे
जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली के प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्ग दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा बैश आ गया, परंतु स्वर्ग दूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ। तो क्या रखना उसका नाम? यूहन्ना। जो तुसी खुदा दे नाल एक मजबूत रिश्ता बना के चल दे हो, सोच ना ले, स्वर्ग तो आशीष आएगी। कितों आएगी? क्योंकि इन्हां दे लई भी कितों आ रही है, नाम भी कितों आ रहा? स्वर्ग तो। बोलो, नाम भी कितों आ रहा? स्वर्ग तो आ रहा। कि तू तेरे की होएगा एक स्वर्ग दूत ने आके जकरिया नु कहा, जो बाज और से कदी भी बच्चा पैदा नहीं सी कर सकता। इस दुनिया बहुत सारिया स्त्रियां ने, बहुत सारे मर्द ने, समझ हो, जेडे इस चीज ते जेडे कमजोर ने, इन चीजा च इस जीवन नू नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता वो आके छड़ देन, पर अगर उन्होंने नहीं छड़िया, नहीं प्रभु नू भुलिया, उदियां सारिया आग्ञावां ते विधियां ते निर्दोष चलते रहे। कि चलते रहे? सब आग्ञावां ते विधियां ते निर्दोष चलते रहे। वो किदी सेवा करते रहे? आज सानू किदी सेवा करन दी जरूरत है? बोलो, किदी सेवा करन दी जरूरत है? किदे काम करन दी जरूरत है? है ना, समझ रहे? अगर तुहाडा मन अच्छा है, क्योंकि अगर तुसी परमेश्वर को कुछ पाना चाहते हो, तुसी टाइम नाल आके इस जगह ते प्रेयर च बैठो, टाइम नाल आके प्रेयर विच बैठो, इत्थे आके 8:30 बजे आके प्रेयर विच बैठो इत्थे। क्योंकि घर अगर तुहाडे कोल तुसी नहीं, कल्ले कई लोग अपने घर विच कल्ले बैठ के प्रेयर नहीं करते, उनका मन नहीं लगता, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। बोलो, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। इसलिए वचन च लिखा, इकट्ठा होना ना छड्डो, इकट्ठा होना ना छड्डो। अगर तुसी नहीं वो चीज़ कर पाउंदे, इसलिए परमेश्वर ने ये स्थान, ये पवन अपनी महिमा दे लई बुलाया बनाया है, समझ रहे? तो तुसी अपने टाइमिंग ना आके सगा ते बैठ के, इसे बच्चे प्रेयर करांदे ने नाल नाल, तुहानू तुसी टाइमिंग ना आलन के किहड़े काम आ जिहड़े नहीं हुंदे। अरे, जकरिया और अलिशबा ने किस तरह परमेश्वर को आशीष पा ली? क्योंकि लगे रहे उस काम विच, की रहे? इसलिए प्रभु ने कहा ना, टानी जेड़ी चुड़ी है, बनी है, उनमें शांगदा ताकि और फले। बोलो, ताकि और फले, उदे जीवन च और फल आए। पर कदों आएगा फल, समझ दे हो? तो इसलिए अगर तुसी अपनी चीज विच कमजोर हो, तुसी नहीं कर पाते, तो इस जगह ते आओ, टाइमिंग नाल आओ और प्रेयर करो, परमेश्वर दे मंगो उस चाहत नू। इत्थे कोई भी काम है अगर, क्योंकि सारी तैयारी तो जिन्ना भी टेंट दरियां सब कुछ है, जो कुछ भी इस जगह ते तैयारी की जाती है, तुहाडे आन तो पहला बहुत समय पहला हो जाती है। क्यों जाती है? तुहाडे आन तो पहला यह बहुत समय पहला हो जाती है, क्योंकि जिहड़े जिवें अलिशबा और जकरिया लिखिया, परमेश्वर दियां सब आग्ञावां ते निर्दोष चलन वाले से। किसी बोलो, क्योंकि कदी कदी असीं बहुत गल्लां विच दोषी पाए जाने हैं। की पाए जाने? बोलो, दोषी पाए जाने, दोषी, समझ? इस कारण साड़ी आशीष रुकी रहिंदी है। बोलो, की रहिंदी है साड़ी आशीष? पर जो समझ गए ने आत्मा दियां गल्लां नूं, ओह लगी होई ने मन तो रूह नाल, समझ? और रातीं भी 11:11 इत्थे वज जांदे ने, कम करदे आ, सवेरे फिर 6:00 बजे 5:30 बजे उठ के फिर तो तैयारी करदे ने। आपां तो आए, आपां चले गए, आपां तो आने भी
अपने मजे ना लिया। बोलो कि नहीं अपने मजे ना लानी है। हाँ कोई नहीं समझ तो अपने हिसाब ना लानी है। इसलिए परमेश्वर भी अपने हिसाब ना ही थोड़े जीवन च कम करता है जिस मन नाल आनी है समझ। इसके खुदा दा खौफ उदा डर थोड़े जीवन च बनिया रवे जिमें अलीशबा और जकरिया दे जीवन से। इसलिए क्यों परमेश्वर ने उदे मन नू वेखदे होए वो किन्ने साल तो उदी सेवा कर रहा की कर रहा है किन्ने साल तो सेवा कर रहा समझ हो। पर उन्हें ये नहीं सोचा जिमें अज लोग सोचते नहीं कई मैं अच बहुत सारे अज तक अगर अज तक जिनी दुनिया आई है इस जगह पर अगर इस गल नू समझते आत्मा दे नाल जिन्हें असी बैठे हाँ इस तो तीन गुना ज्यादा लोग पिछे होने से पर समझ नहीं पाए। इस जीवन नू समझ तीन गुना इस तो ज्यादा लोग तुहाडे पिछे बैठे होने से पर समझ नहीं पाए। इसलिए प्रभु ने बुलाए हुए बहुत ने पर चुने हुए थोड़े ने क्योंकि समझ नहीं पाए। कई दे जीवन च अगर दस कम होए ने अगर ग्यारहवां कम नहीं होया तद भी वह मन खराब कर लेंगे उन्होंने पता नहीं कितने चल जाते हैं अपनी आशीष पाने लिए किस जगह पर पहुँच जाते हैं की करते हैं समझ दे क्योंकि उन्होंने अजे समझ नहीं पाए इस जीवन समझ दे। तो दस कम अगर हो ही नहीं अगर ग्यारहवां नहीं होया तो तद भी वो पता नहीं पर लिखिया ही परमेश्वर दी आज्ञावां ते सब विधियां और आज्ञा तवे निर्दोष चलन वाला कि चलन वाला सी निर्दोष। इसलिए यदि यदि वास नू यदि सेवा नू कौन वेख रहा सी कौन सुन रहा है क्योंकि किदे अगे प्रार्थनावां करता सी और कौन लिखिया दी उस धूप दी वेदी दे दाइनी सज्जे हथ आके खड़ा हो गया परमेश्वर दा स्वर्ग दूत किदा दूत परमेश्वर दा दूत और आके आख्या हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है की गई है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और किवें लिखिया पुनः भयभीत ना हो डर ना क्योंकि वह दूत नू वेख के डर रहा है कि कौन है क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी लिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना यूहन्ना उसका नाम क्या रखना यूहन्ना समझ गया। तो नाम भी कितों आ रहा स्वर्ग तो कितों आ रहा है स्वर्ग तो और कदों साढ़े जीवन च स्वर्ग तो आशीष आती है जो असं अपना मन अपना दिल किदे वर्गा बनाने हैं बोलो किदे वर्गा बनाने हैं चक्रिया वर्गा आलिशबा वर्गा जिन्होंने अपने जीवन पर अपने अपने जीवन नू अपने आप नू कोसिया नहीं जिवें अज लोग कई लोग अपने आप नू कोसते ने कुड़ते ने। इसलिए अपने आप नू कोसना नहीं है कुड़ना नहीं है खुदा दे नाल प्रेम करना है जिवें वो चले हाँ असी भी चलना है बोलो की करना असी भी चलना है। इसलिए परमेश्वर ने आख्या सो चौकसी नाल वेखो किकर चल दियो निर्बुद्धा वांगू कि बुद्ध वाना वांगू भावें दिन बुरे ने पर समय नू बहमुल्य समझो परमेश्वर विच हो के तुसी समय नू की समझो बहमुल्य कीमती समझो बोलो। इसलिए अगर हिजकिया राजा तुसी पढ़ो तो लिखा एक दिन वो बहुत बीमार हो गया तो देखो परमेश्वर दास यशायाह नबी दे द्वारा वचन आया कि तू निश्चय मर जाएगा पर लिखिया तुरंत उस दीवार नाल अपना मत्था लगा के प्रार्थना कर लगा कि परमेश्वर याद कर की कर अगर किता ही कुछ नहीं है तो की करा कहवांगे कि असी की किता तेरे लिए अगर कुछ किता है तो तुसी कह सकते हो हक नाल अधिकार नाल कह सकते हो जिवें हिजकिया ने बोलिया कि परमेश्वर याद कर वो समा जदों मैं तेरे सन्मुख किस तरह चलता रहा क्योंकि हिजकिया भी परमेश्वर के सन्मुख उदियां सारियां विधियां ते आज्ञां ते निर्दोष चलन वाला सी समझ। तो जदों परमेश्वर ने उहदे रिकॉर्ड नू वेख्या
कि हाँ बिल्कुल ये तो सही कह रहा है। तो लिखिया उदे जीवन दे 15 साल और वधे, जीवन दे 15 साल और वधे, परमेश्वर ने और वधाते जीवन दे 15 साल परमेश्वर ने और वधाते। और अज भी थोड़े जीवन दे दिनां नूं और तुहानूं वधाउण वाला कौन है? बोलो तुहानूं वधाउण वाला कौन है? परमेश्वर। और कदों तुहानूं वधाएगा, कदों तुहाडे जीवन चों काम करेगा जो तुसीं अपनी समझ नहीं, अपना तरीका नहीं। कई लोग अपनी समझ अपना तरीका अपनाते हैं, ऐदा ना कर लिए इस तरह करके देख लें फिर तो नहीं होंगे, फिर आते नहीं, समझते हो? इसलिए अपना तरीका नहीं अपनाना, असी किदे किदे किदा तरीका अपनाना और किदा विश्वास करना। कई लोग जदों अपना तरीका अपनाते नहीं पर जो नहीं होंगे फिर खुदा दी वल मुड़ते नहीं, किदे वल मुड़ते नहीं। इसलिए अपनी समझ नूं छड़ दो और हर गल ले किदे कोल जाओ। बशदास यर्मिया, यर्मिया दे कोल जदों पिता दा वचन गया तो उन्हें कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैनू कह जो गल्लां औखियां ते डूंगियां ने मैं तेनू दसांगा किवें होना। तैनू कौन दसेगा, तैनू कौन समझाएगा? बोलो बोलो कौन तैनू दसेगा, कौन समझाएगा? समझ दियो, तैनू परमेश्वर दसेगा कि जाओ मेरी हजूरी विच जाओ, जाओ मेरे दासां मेरे सेवकां नू मिलो, जाके उन्हां कोलों मेरे जीवन दीआं गल्लां नू सिखो और समझो। की करो, जाओ जाके उन्हां कोलों सिखो। हवा दे विचों आवाज नहीं आएगी, दीवारां विचों आवाज नहीं आएगी। परमेश्वर हमेशा अपने चुने होयां दे द्वारा गल करदे ने, की करदे ने? अपने चुने होयां दे द्वारा गल करेगा और तुहानू दसेगा की करना है, थोड़ा रोल की है, तुसी की करना है परमेश्वर नाल। तो तुहानू कौन दसेगा? वह परमेश्वर दसेगा। और तुहाडे मन विच लिखिया अपनी इच्छा ते शुभ इच्छा दे नेक काम दे इरादे नूं पूरा करन दा प्रभाव तुहाडे अंदर कौन देवेगा? बोलो कौन देवेगा? तुहानू दसेगा कि तुसी की करना है, तुहाडे मन विच पाएगा इन्हां सारियां गल्लां नूं, तुहाडे दिल दे अंदर पाएगा और तुहानू दसेगा। पर कदों दसेगा? जो तुसीं निर्दोष पाए जाओगे। कि पाए जाओगे? जदों उहदे सन्मुख निर्दोष पाए जाओगे, निर्दोष, तदों परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा नूं तुहाडे अंदर देवेगा। बोलो कदों देवेगा? और कदों तुहाडे नाल गल करनी शुरू कर देगा, समझ लिया? तदों ही गल करेगा जो तुसीं नॉर्मल तरीके नाल परमेश्वर नूं अपने जीवन च लैंदे हो। किवें? नॉर्मल तरीके नाल, नॉर्मल तरीके, नॉर्मल मन नाल। हाँ कोई गल नहीं, पर जदों तुसीं चक्रियां वांग परमेश्वर का रिस्पैक्ट करते हो, आदर करते हो कि हाँ मेरा उहदे नाल इक रिश्ता है। अगर तुसीं सब तो पहलां इस रिश्ते नूं नहीं समझे तो तुसीं कदों भी, मतलब तुहाडा मन तुहानूं दोष ला सकता है। पर जे तुसीं समझ गए, तुसीं कैसी भी प्रॉब्लम च क्यों नहीं हो, कैसी भी हालात विच क्यों नहीं हो, तुसीं खुदा तो कदी दूर नहीं जाओगे। बोले परमेश्वर तो कभी भी दूर नहीं जाओगे और चल दे जाओगे। बोले कि जाओगे, चल दे जाओगे। जिवें अब्राहम जो बुलाया गया तो परमेश्वर ने उन्हें कहा अपने देश ते अपने कुटुंब नूं छड़, ते जेड़ा देश मैं तेनूं कहना उत्थे चल जा। तूने एक मिनट भी संकोच नहीं किया, अपनी सोच नहीं लगाई कि मैं किस तरह ये काम नूं करा, समझ रहे हो? वो तुरंत परमेश्वर की गल नूं सुन के तैयार हो गया और उन्हें करना दे लई मन अपने नूं तैयार किया और वह चले गया। बोलो कि चले गया उस जगह ती बिना सोचे। असी बहुत कुछ अपने जीवन सोचते हैं और फिर जाके करते हैं, पर सानू ये नहीं पता कि साडे लिए सब कुछ करने वाला कौन है। बोलो कौन है? अभी सोचते हैं, सोचते रहने किस तरह होएगा। बोलो, पर जो तुसी अपने पुराने सुभाव की आदत नूं छड़ दिता, अपने पुराने सुभाव की आदत नूं छड़ दिता, फिर तुसी हर काम अपना किदे तो करोगे, किदे तो करोगे? तुहानूं पता दानियल, दानियल नूं किन्ने लोक जानदे ने जो परमेश्वर दा इक दास सी।
तो दानियल दे सामने भी एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आई। क्या आई? क्योंकि राजे दे विलों एक विधि निकली उस समय, क्योंकि दानियल नाल कुछ उदे राज्य दे विच, राजे दे राज दे विच कुछ लोग मतलब संबंध है, जिमें खारबाजी रखते सी। की रखते सी? उदे नाल खारबाजी। तो उन्हूं वो फसाना चाहते सी उदे उस पद तो, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल दे पद नूं उच्चा किया। कुछ लोग उस राज्य विच पहलां तो राज्य की सेवा कर रहे हैं। उदे तो पहला दानियल जदों बुलाया गया उस राज्य की उस नौकरी उस काम दे लई उस सेवा दे लई, तो उस तो पहला भी लोग सी, पर परमेश्वर उदे नाल सी। बोलो की सी? परमेश्वर उदे नाल सी, पर उदे नाल कुछ लोग जलन रखन लगे और कुछ लोगों ने राजे नाल मिलके एक विधि तैयार की कि राजा तुसी इस पूरे नगर दे इन्ना लोगों का सत्कार कर दियो, किन्ना कुछ कर दियो, देखिए लोग तुहाडा किन्ना आदर रिस्पैक्ट करते हैं। तो उन्हें एक विधि तैयार की कि इन्ने दिन तक सौए राजा तेरे तो अलावा कोई भी किसी देवी या देवते की उपासना नहीं करेगा, सिर्फ तेरा। पर लिखिया दानियल अपने परमेश्वर के सन्मुख तीनों टाइम की करता सी? प्रार्थना करता सी। की करता सी? और एक दिन जो समा नियुक्त होया और वो समा आ गया और वो अपनी उस रीति विच लगा और कर रहा, और दूसरिया ने जो पता लगा कि दानियल उस चीज़ विच अजे भी की कर रहा, अपने उस काम नु कर रहा है, तो जाके उन्हें बोलिया, हे राजा उन्हें तेरी कोई परवाह नहीं की, तेरी कोई गल का अपने जीवन च डर नहीं रखिया। तो लिखिया नाल ही एक सजा सुनाई गई सी कि जो नहीं इन्ने दिन तक करेगा कि देवी देवता जां किसी का भी स्वाए राजा तो दूसरे का नाम लेगा, वो शेरां दे कुरने विच सुट्टिया जाएगा। पर दानियल उस चीज़ विच लगा रहा, और जो पता लगा कि दानियल ने उस गल नूं नहीं किया, क्योंकि विधि तय हो चुकी सी, विधि तय हो चुकी सी, इसलिए जदों लिखिया उस विधि के अनुसार उन्हें सुट्टिया गया कुरने दे विच, तो तद भी उहदे नाल कौन सी? बोलो कौन सी? बोलो कौन सी? जदों निकालिया गया तो उन्हें राजा नूं कहा, हे राजा कि मैं तेरे सन्मुख और अपने परमेश्वर के सन्मुख भी की हाँ, निर्दोष हाँ, मैं तेरी गल नूं भी पूरा किया और अपने परमेश्वर की भी गल नूं पूरा करन च पिछे नहीं हटिया, मैं तेरी गल और परमेश्वर की गल नूं भी पूरा करन च पिछे नहीं हटिया। इसलिए अज जो लोग परमेश्वर की गल नूं पूरा करन विच लगे ने, लगे रहणगे, बोलो की रहणगे? लगे रहणगे, वो पाणगे जीवन, बोले कि पाणगे। और लिखा उन्हों का पद उच्चा किया जाएगा जिमें दानियल का किया गया। दानियल नू परमेश्वर ने और भी आशीष दी और भी उस राज्य दे विचों दे पद नू उच्चा किया। तो कदों उच्चे किते जाओगे? बोलो कदों उच्चे किते जाओगे? जो तुसी भी जो कम जकरिया और एलीशिबा ने, जिहड़ा कम दानियल ने किया, जो तुसी भी मन तो और हिरदे तो करोगे। की करोगे? जो तुसी भी मन और हिरदे तो, तदों परमेश्वर तुहाडे जीवन नूं उच्चा करेगा। इस लिखिया चौकसी नाल वेखो किकर चलदे हो, निर्बुद्धा मंगू कि बुद्धमाना मंगू। इसलिए प्रभु ने कहा बुद्धिमान अपना घर कित्थे बनाउंदा आ? चट्टान ते। कित्थे बनाउंदा आ? क्योंकि उस जगह ते हवा नेरी, जिवें संसार दीआं मुश्किलां दुख बीमारी, अगर जो घर चट्टान ते बणिया, अगर वो जीवन कोई आएगी तो वह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, वह कुछ भी बिगाड़ नहीं है। पर निर्बुद्धि अपना घर कितने बनाता? संसार दी चीज़ों से, समझते हो? जो कदों भी टह सकता है, कदों भी टह सकता है, पर जिहड़ा घर जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी जिस घर की बुनियाद परमेश्वर है, वह सदा तक खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम च। आमीन।
मतलब सदा तक खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो नहीं गिरेगा। बोलो की आओ, वो नहीं गिरेगा कभी। इसलिए तुसी बनना है चट्टान, बोलो तुसी बनना है चट्टान, और चट्टान बनने के लिए तनु कुछ करना पड़ेगा। बोलो की करना पड़ेगा, तनु करना पड़ेगा कुछ, परमेश्वर दी सारियां गल्लां नू तनु मनना पड़ेगा, जो जो दे हुक्म ने, जो जो दी आज्ञावां ने। लेकिन उहदे हुक्म औखे तो नहीं है, उहदी आज्ञावां औखियां तो नहीं है, पर हुंदियां नहीं है। अगर कोई किसी नाल प्रेम करदा, अगर किसी नाल उहदी खारबाजी है, तो परमेश्वर ने तो की किया, दुश्मन नाल भी की कर, प्रेम कर, तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वचन तो इतने नहीं पूरा आएगा। परमेश्वर क्या उहदे नाल की कर, प्रेम कर। अगर तू नहीं कर पाए तो तू दोषी पाए जा रहे हो। की पाए जा रहे हो? दोषी पाए जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर तो क्या प्रेम कर। अगर तू नहीं कर रहे हो तो मैं हुक्म असी लिख के दिते ना, 25 हुक्म, जिस पहला हुक्म की है प्रेम, और दे विच एक हुक्म है सत्संग विच समय सिर आना, की है आदर है। अगर नहीं है तो, अगर समय सिर नहीं है तो पाप है। यीशु मसीह ने एक व्यवस्थापक नू, जो एक व्यवस्थापक ने प्रभु नू पूछा कि व्यवस्था दे विच सब तो वड्डा हुक्म की है, तो उन्हें कहा तू नहीं जानता है ना, व्यवस्था विच सब तो वड्डा हुक्म की है, समझ लिया। तो फिर क्या, अपने सारे मन, अपने सारे जीव ते अपनी शक्ति नाल किन्नू प्रेम कर, किन्नू कर, अपने यहोवा परमेश्वर प्रभु नू की कर, प्रेम कर। बोलो मेरे जीवन च कुछ होया जा नहीं होया, मैं किदे नाल खड़ी रहना, खड़े रहना है, क्योंकि मैं जानता है। इसलिए जकरिया जानता सी, बोलो जकरिया जानता सी कि जिस परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा है, उसकी पत्नी भी जानती सी ऐसा परमेश्वर नहीं है। बोलो ऐसा परमेश्वर नहीं है, समझ लिया। इसलिए अपने सारे जीव ते अपनी सारी जान, अपनी सारी शक्ति नाल किन्नू प्रेम कर, किन्नू प्रेम कर। और जेडे करदे ने, जो प्रेम करदे ने, वो खुदा दी हर नियम, हर आज्ञा, हर गल नू अपने जीवन तो पूरा करदे ने। इसलिए प्रभु ने कहा पेड़ अपने फल तो तुसी अपने कम्मां तो पहचाने जाओ। बोलो पेड़ अपने फल तो पहचाना जाता है, क्योंकि पहला नाम कि होंदा, आप किस तरह बोलते हैं, बूटा अमरूद, इस तरह बोलते हैं, बोलो इदा बोलते हैं, बूटा अमरूद कि अमरूद का बूटा, क्योंकि पहला नाम कि होंदा फल का, फिर बूटे का। इसलिए लिखिया परमेश्वर तुसी फल तो पहचाने जाओगे, थोड़े जीवन च, थोड़े आंढ़ी गुआंढ़ी, थोड़े गली महल के लोग, जो साडा परमेश्वर स्वर्ग च है, वह वेख के उहदी वडियाई करनगे, तुहाडे फलां नूं वेख के, कि वेख के तुहाडे फलां नूं। पर फल कदों पैदा हुंदे नहीं, जदों असीं परमेश्वर दे सन्मुख निर्दोष पाए जांदे हां, दोषी नहीं, समझदे हो कि पाए जांदे असीं निर्दोष, निर्दोष। साडे जीवन च अजे भी दोष है, अजे भी पाप है, क्योंकि यीशु मसीह तो उस दोष लिए, उस पाप लिए क्रूस के उत्ते अपना जीवन गवाता, और वचन दसदा है कि उहदे कोड़े खान तो की हो गए हैं, चंगे हो गए, पर हो क्यों नहीं रहे। बोलो हो, क्योंकि वचन दसदा है कि हो गए हैं। अज विश्वास करन दी लोड़ है, और परमेश्वर नाल चलन दी लोड़ है, एक वड्डा मन बना के कि हाँ परमेश्वर जो तू क्या वो मेरे लिए, कैसा भी क्यों नहीं है, स्थिति चाहे कैसी भी क्यों नहीं है, तुहाडी जेब च कुछ हैगा जां नहीं हैगा, तो ये बीमार हो, जिवें कई लोग बीमार हो जांदे ने, तो कर जी बीमार सी असीं तद नहीं आया, लोग डॉक्टर कोल कदों जांदे ने, लोग डॉक्टर कोल कदों जांदे ने, कदों जांदे ने, जदों तंदुरुस्त हुंदे के बीमार। दुनिया का सब तो वड्डा डॉक्टर कौन है, डॉक्टर जीसस। दुनिया का सब तो वड्डा डॉक्टर कौन है, डॉक्टर जीसस, समझ लो। तो तुसी उस उदे कोल विश्वास नाल आओगे तो नहीं करेगा, बोलो नहीं करेगा आजाद, नहीं करेगा, करेगा, निश्चय करेगा।
की करेगा बोलो, निश्चय करेगा, पक्का। यह वचन च लिखिया विश्वास, आस कीतियां गल्लां दा किया, पक्का भरोसा और अंडिठ वस्तुआं दी सबूती। जो चीज तुहाडे कोल अज नजर नहीं आ रही, कल नू होएगी, क्यों होएगी? इसलिए लिशबा और जकरिया विश्वास दे नाल परमेश्वर की सेवा कर रहे सी। कादे नाल कर रहे सी? ओ विश्वास दे नाल उहदी सेवा विच लगे हुए सी कि परमेश्वर करेगा। अगर नहीं भी करेगा, जिवें अज लोग अगर नहीं होया तो बोलेगा मेरा परमेश्वर नहीं है, पर तुहाडा मन इन्ना सॉलिड इन्ना मजबूत होना चाहिए, अगर नहीं भी करेगा तद भी वो मेरा की है परमेश्वर। बोलो, अगर नहीं होया तो तद भी किया मेरा परमेश्वर है, पर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि ना करे। समझते हो? इसलिए विश्वास आस कीतियां गल्लां दा पक्का भरोसा और अंडिठ वस्तुआं दी सबूती है, सबूत है। बोलो की है? सबूत है। इसलिए वचन च लिखिया परमेश्वर ने अपना वचन, ये सारी लिखत लिखिया परमेश्वर दे आत्मा तो उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता दी शिक्षा दे लई लाभदायक है साडे वास्ते। की आई? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर दा जन सिद्ध बने। की बने? सिद्ध, ताकि परमेश्वर दा जन सिद्ध सिद्ध बने। किदियां गल्लां दे विच? किदे कम्मां दे विच? सिद्ध बने, सिद्ध। उहदे जीवन च कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, वह हर गल विच संपूर्ण होवे, सिद्ध बने, सिद्ध। समझदे हो? इत्थे तक क्या, जब तक असी सिद्ध होण दा यतन नहीं करते, जदों असी अपने सिद्ध होण दा यतन करदे हां और लगे रहने, सब तो पहला अपने जीवन नूं चैक करो, मैं किस तरी हाँ। मैं बहुत वारी उस लेडी नूं समझाया कि तुसी ऐ परमेश्वर दा वचन ऐ नियम आ उहदी आ गया तुसी इदां चलो इदां करो, पर मेरी गल नूं नहीं लिया। और करदे करदे अपने जीवन दा नुकसान बहुत वड्डा करा लिया। और एक दिन उहदे पति दे उत्ते इन्ना वड्डा हालात आ गया, बहुत वड्डा, 7-8 लाख रुपया गवा लिया। और अज भी प्रभु की गल नूं समझ नहीं रहे, क्योंकि दोषी। अज भी वह परमेश्वर की गल नूं समझ नहीं रहे कि असी की करना है। मैं बहुत समझाया कि की करो, किस तरह चलो। मैं करी नूं मैं उहदी टाइमिंग दसी उहनूं, मैं कहा तुसीं नोट करना अपना सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहरे 1 या 2 बजे तक, और उस तो बाद फिर तुसीं अपना 10 बजे तक 2 टाइमिंग नोट करनी आ कि तुसीं सारा दिन विच की करदे हो, किन्नी वारी परमेश्वर नूं याद करदे हो, किन्नी वारी उहदा वचन तुहाडे मन विच आउंदा आ, किन्नी वारी उहदी तुसीं आप तुहाडे मूँह तो प्रेस निकलदी आ, वडियाई निकलदी आ। तुसीं रिकॉर्ड करो अपने जीवन नूं, रिकॉर्ड करो सवेरे 6 बजे तो लैके 2 बजे तो राती 10 बजे तक, तो समा अपना लिखो कि इस समय दे विच मैं की कर दी है। पर उन्होंने मैं वो चीज़ की, उन्हें फिर भी नहीं किया। बोलो, उन्हें वो भी कम नहीं किया, वो भी कम नहीं किया। इसलिए अज भी उसका जीवन उत्थे ही खड़ा है, अगे जाने की बजाय पिछे लोग अगे, क्योंकि परमेश्वर तो अगे ले जाने वाला। उन्हें क्यों क्या? अगर तुम व्यवस्था सार दी पुस्तक पढ़ो, उदा 28:1 असि पढ़ेंगे, उत्ते की लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो यदि यदि न मन पर जेकर कर सकते यदि जेकर कर सकते हो तो करो, समझ हो। तो अपने परमेश्वर दिया सब आज्ञावां नूं चित लाकी ते चौकसी नाल की करो पूरियां करो तो वह तुहानूं की करेगा धरती दिया सब जातियां चो की करेगा उच्चा करेगा। बोलो की करेगा धरती दिया सब जातियां चो उच्चा करेगा उच्चा। पर कदों करेगा कदों करेगा जो तुसी दे वास नूं चित लाके ते चौकसी नाल की करोगे पूरियां करोगे। अगर तुसी कर नहीं रहे कर कुछ नहीं रहे और चाहुंदे असी बहुत कुछ है। बोलो चाहुंदे असी कहिंदा चित लाके ते चौकसी नाल की करें पूरियां करें ते तेनू धरती दियां सब जातियां चो की करांगा मैं। बोलो की करेगा वो उच्चा करेगा। फिर उन्हें क्या मैं तेनू पूछ नहीं सिर ठहरावांगा क्योंकि सिर की हुंदा उच्चा तेनू मैं अगे लेके जावांगा। पर लोग कई इंसान अगे बजान दी जाए पिछे समझदे क्यों कारण क्योंकि कदी कदी दोषी पाए जाते हैं कि पाए जाते हैं परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाते हैं दोषी। पर जिहड़ा चित ला के ते चौकसी नाल पूरियां कर रहा है बोलो की कर रहा है वह लगा आया है जिवें जकरिया उस काम में अपनी सेवा में लगा आया सी। बोलो की सी वो लगा होया सी जिवें जदों नूह बुलाया गया तो नूह भी उस काम में लगा रहा। बोलो जो नूह बुलाया क्या क्या परमेश्वर ने क्या इस पृथ्वी के उत्ते पाप बहुत वध किया मैं सारी पृथ्वी नूं की करने वाला है नाश करने वाला तू एक किश्ती बना जहाज बना की बना एक एक किश्ती एक जहाज बना। तो लिखा उन्नी परमेश्वर की उस गल नूं शरीर नाल नहीं आत्मा नाल लिया क्योंकि किदा समझ के लिया वचन परमेश्वर का। और लिखा वह भी उस काम विच लगा रहा किरिया उच लिखिया 100 साल एक सदी लग गई उस जहाज नूं बनाउण दे लई। लोग उन्हूं ठट्ठा करदे सी मखौल करदे सी हो सकदा अज तुहानूं भी लोग कहण लो तुसी जांदे जो लै की होया तुहाडे नाल कुछ भी नहीं होया तुसी तो उदां ही हो कलेश ते तुहाडे घर उदां ही आ लड़दे कुछ कम तुसी तो उदां ही हो तुसी तो कहिंदे एवें होएगा मुंडा तुहाडा बाहर जाणा ओह करना समझदे आ। तो उन्हूं भी लोग बहुत दोष लगाते गल करते करते ठट्ठा करते मखौल करते कई लोग अब सानू भी करते हैं। बोलो यीशु मसीह ने पहले ही कहा मेरे नाम के कारण की करे लोग थोड़े नाल वैर रखे मेरे नाम के करके लोग थोड़े नाल की रखे वैर रखे समझते हैं की रखे थोड़े नाल वैर रखे वैर कदी कदी थोड़े अपने रिश्तेदार भैन भराई बोलते कि नहीं बोलते तो ये तुम किस साइड चले गए ये की कर लिया तुम कदों तो तुम जानते हो कि होया कुछ भी नहीं है जाओ बह जाओ आराम दे नाल। पर जो समझ गया बोलो वो कदी अपने मन नू पिछे नहीं हटाएगा वो चलेगा जिवें कौन चलिया चकरिया वो चलता रहा उहदी सेवा करता रहा। तो लोग तो बोलणगे जिवें नूह नूं बोलिया है ना नूह बोलिया कि परमेश्वर ने उन्हें नूह ने लोगों नूं प्रचार भी किया दस्या भी कि परमेश्वर इस दुनिया नूं पानी दे नाल नाश करने वाला इसलिए मैं जहाज बना रहा। तो बहुत समा लग गया टाइम लगा पर लोग नूं ठट्ठा करन लगे मखौल करन लग पे भी आई नहीं बारिश तेरी की होया पर लिखिया वो लगा रहा उन्हें तो उपदेश तो किया प्रचार तो किया लोगों परमेश्वर के बारे दसिया कि समझ जाओ मेरी गल नूं मन लो। पर किसी ने नहीं मनी आ जिहड़े गल नहीं मनते वह नाश होंदे ने नाश कौन होंदे ने जिहड़े परमेश्वर की गल नूं नहीं मनते नहीं पूरिया करते। पर उन्होंने मनी और पूरिया किया और उस काम में लगे रहे और एक दिन आया लिखिया सारी पृथ्वी के लोग जल परनों नाल नाश हो गए
पर नू अते उदा परिवार बचाया गया, केवल सिर्फ नू अते उदा परिवार। बोलो केवल। आज असी किदा अंश हैं अगर असी जानिए नू तरमी दा, अगर असी जानिए तो असी किदी अंश हैं। बोलो की है, क्योंकि आदम आदम तो जितों शुरुआत हुई सी इस धरती के उत्ते इंसानियत जीवन की। बोलो किहड़े जीवन की? इंसानियत जीवन की शुरुआत हुई आदम तो, जिन्हों परमेश्वर ने एक आग्ञा दिती सी। की दिती सी? एक पल के विषय एक आग्ञा दिती सी कि तू ना खाणी दिती कि नहीं दिती। बोलो पर किदे परमाए विच आ गई? आदम की पत्नी हावा किदे परमाए विच आ गई? तो लिखिया वो आग्ञा नु तोड़ के उन्हें अपने जीवन च पाप लिया। बोलो और उस पाप की शराब दी संतान ने पृथ्वी के लोग ने समझने कि नहीं, क्योंकि उन्हें भी किदी आग्ञा नु तोड़िया। और एक समय उस सारी दुनिया जल परलो दे नाल लिखिया, परमेश्वर के वचन च लिखिया खत्म हो गई, सब कुछ नाश हो गया। पर एक नू धर्मी जिहड़ा परमेश्वर दे लिखिया सन्मुख की सी। अगर तुसी पढ़ो वचन इत्थे, मैं थोड़ा उत्पत्ति अगर दी शेद दी नौ पढ़ते हैं तो लिखिए नूह की वंशवली जय कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों से खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो असी भी अज कि चलना है? बोलो कि चलना है? कि चलता सी नू एक सी खरा और धर्मी और परमेश्वर दे नाल चलन वाला सी। बोलो किदे नाल चलन वाला सी? इसलिए पूरी दुनिया खत्म हो गई पर कौन सिर्फ बचाया गया? नू और उदा परिवार, क्योंकि वो उदी गल उत्ते चलन वाला सी। सारी दुनिया दोषी पाई गई उस गल च पर नू अते उदा परिवार बचाए गए। सब लोग की पाए गए दोषी पर उस समय जब जल परलो दा समय आया लिखिया नू निर्दोष पाया गया परमेश्वर दी गल विच, क्योंकि उस गल विच लगा रहा जिवें अज असी भी किया लगे रहना। अज लोग लगे नहीं रहन के समझने, हो सकदा उनका मन उन्हें कुछ भी बोले कुछ भी होवे जां कोई उन्होंने कुछ बोले, हो सकदा है वो चले जाने। पर तुसी जाओगे कित्थे? सोचो वो जीवित परमेश्वर नू जो इको परमेश्वर है उन्हें छड्ड के कित्थे लभोगे, कित्थों पाओगे जीवन? समझ आई? कौन तुहाडे जीवन च की करेगा कम? कौन करेगा? अगर तुसी बुद्धिमान हो इस गल नू समझ गए। बोलो कदी कदी जदों असी संसार विच हुन्ने आ ते संसार दी उस गल नू उस चीज़ नू असी बड़े मन तो करते हैं। अगर कोई बाबा सियाना सानू कोई गल बोले तो असीं सारे काम छड के उस गल नू पूरा करते हैं, सारे काम छड दिंदे हैं। पर अगर परमेश्वर तुहानू कह रहा है तो तुसीं कोई परवाह नहीं करदे। कि नहीं करदे? कोई परवाह नहीं करदे। पर जो करदे हो तो निर्दोष पाए जाते हो और परमेश्वर फिर चक्रियां दे वांग तुहाडे जीवन च भी अपनी आशीष नू की करता पैदा करता। बोलो की करता है? जकरिया दे वांग परमेश्वर अपनी आशीष नू तुहाडे जीवन च की करदा आ पैदा करता पैदा। बोलो की करदा आ? पैदा करेगा। और जिन्नी इस तरह का मन बनाउणगे और खुदा दे नाल दोषी नहीं निर्दोष चलन वाले बनगे उनके जीवन च हर प्रकार की आशीष दे फल आणगे यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। बोलो किदे नाम चाणगे? यीशु मसीह दे नाम दे विच
फल आणगे क्योंकि तुसी बुलाए गए हो फलां नू पैदा करन दे लई अपने जीवन तो फलां नू पैदा करन लई बुलाए गए ये कम हुण तुहाडा आ क्योंकि परमेश्वर अपना कम किया पूरा क्योंकि वो अपना क्रूस ते उत्ते जीवन गवा के जिस कम दे लई इस पृथ्वी ते आए सी वो पूरा कर चुके आ हुण साडा कम है बोलो की हुण हुण साडा कम है कि असी करना है हुण कम किहदा आ परमेश्वर का नहीं हुण तुहाडा आ तुहाडे उत्ते छड्डिया है सारा कुछ परमेश्वर ने तुहानू सौंपिया तुहानू दिता है कि तुसी विश्वास नाल करो इसलिए परमेश्वर दास पौलुस ने कहा कि जो मैनू सामर्थ जो मैनू ताकत देंदा उस मैं सब कुछ कर सकदा है तुसी कर सकदे हो अगर तुहाडे अंदर मन है चाहत है ये सब कुछ कर सकदे हो अगर तुहानू विश्वास है कि मैं किहदे नाल चलना और कौन मेरे जीवन च सारे कामां नू करेगा बोलो कौन करेगा अगर तुहानू विश्वास है इस गल का तो तुम परमेश्वर को हर तरह की आशीष न पा सकते हो ठीक कह सकते हो पर जे दोषी पाए गए तो नहीं जे निर्दोष हो हर गल च हर नियम दे विच हर गल और हर नियम च निर्दोष हो तो परमेश्वर तुहाडे जीवन जिवें एलीशिबा दे और जकरिया दे जीवन च आया किहदे जीवन च आया तुहाडे भी जीवन च आएगा बोलो की आएगा और तुहानू भी आके हर वो भेद हर वो गल जिस परमेश्वर नाल तुसी अज चल रहे हो तुहानू दसेगा बोलो की करेगा वो दसेगा तुसी सेम नहीं रहोगे अपने जीवन च बोलो तुसी सेम नहीं रहोगे बहुत सारिया गवाहियां क्यों बनदियां ने मैं क्यों कह रहा सी कि अगर किसी की गवाही बन रही है तो सब तो पहला उन्हें जो किया उन्हें पूछो उन्हें की किया तुसी भी करो समझ रहे हैं जब मैं कीता जान ये सब लोग बच्चे टीम कर रहे ने परमेश्वर दे लई तुसी भी सब करो ये सिर्फ कम मेरा जा इस टीम दा नहीं आ साडा सब दा आ बोलो ये कम की दा है अगर कोई भी कम है तो साडा सब दा कम है समझदे असि खुदा दे कम दे लई इस चर्च कम्युनिटी दे लई एक कमेटी दे लई मैं बोलिया सी बोलिया ही ना तो बहुत सारे लोगों ने अपने मन नू सोच नाल अपनी बुद्धि नाल कि नहीं किस तरह होएगा साडे लई तो औखा है बोलो की है औखा कुछ नहीं है जदों परमेश्वर ते तुहाडे नाल है क्योंकि कम किहदा है परमेश्वर दा है बोलो किहदा कम है तो कौन करेगा पूरा कौन परमेश्वर ही करेगा कोई इंसान नहीं करेगा तुहाडे जीवन च कौन करेगा अगर तुसी खुदा दी उस गल नू परमेश्वर समझ के लै रहे हो तो परमेश्वर करेगा बोलो की करेगा वो परमेश्वर करेगा इसलिए कदी भी किसी गल नू भी तो शरीर नाल नहीं आत्मा नाल लो कदे नाल आत्मा नाल और आत्मिक बंदे सब चीज़ां नू अपने जीवन च खुदा तो पांदे ने और उन्होंने हर प्रकार दे पले फल उनके जीवन च लगनगे क्योंकि किदा वचन है बोलो किदा वचन है परमेश्वर दा है इसलिए वह सब ना प्रेम करता है वो पक्षपात नहीं करता पर जो जो उदियां सब चीज़ां च चलन वाले बन गए अज तो दोषी नहीं निर्दोष पाए जाएंगे कि पाए जाएंगे उन्होंने जीवन च परमेश्वर खास बोलो की करेगा खास करेगा जो उन्हें सोचा भी नहीं क्यों लिखिया कि अपने प्रेम करने वालों के लिए उन्हें सब चीज़ा की रखिया ने तैयार रखिया तनु तैयार कुछ क्योंकि जकरिया नू नहीं सी पता पर उन लगा आया सी पर उदे लिए तैयार सी बोलो की सी उदे लिए वो आशीष तैयार सी इसलिए जिस परमेश्वर नाल तुसी आज चल रहे हो तुहाडे लिए भी हर आशीष तैयार है तैयार रखी है परमेश्वर ने कुछ भी तैयार करन दी लोड़ नहीं है अगर किसी की अख नहीं है उन्होंने नज़र नहीं आता परमेश्वर ने तैयार रखी है अगर किसी नु सुनदा नहीं है तो उसके लिए तैयार रखे है अगर किसी की जबान बंद है तो परमेश्वर ने उन्होंने जबान देने दे लिए उन्हें नई जबान तैयार रखी है अगर किसी का लीवर खराब है तो परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर की फैक्ट्री च है क्योंकि इंसान नु बनाने वाला कौन है बोले कौन है परमेश्वर तो उन्हें सब कुछ तैयार रखे तनु
ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਨ 'ਚ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਪੜਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦ ਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਪੱਕ ਔਰ ਵੀ ਬਲੀ ਬਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੀ ਵਧਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਕਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਂਹ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਬੋਲੋ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਓਗੇ ਤਾਂ 10 ਕਦਮ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਆਓਗੇ ਉਹ 100 ਤੁਸੀਂ 100 ਆਓਗੇ ਉਹ 1000 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਬਣਾਓ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਬਣਾਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਆਗਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਓ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਛਾ 'ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ 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 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਲੇ 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 ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ
I'm not the only one.
सब अपने थनों उठाओ, असि पेट जावांगे और जीवन दिया सब कमजोरियां, हर हालात, हर बंधन, हर कमजोरी तड़े जीवन ने छड़े और चाहे यीशु मसीह दे नाम च। आज जीवन तड़े जो हर प्रकार दा अंधकार निकले, हर प्रकार दी बीमारी आज मैंने मैं तनु दस रिया, आज तड़े जीवन चो आज तड़ी उल्टियां दे राई ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਕੋ ਛੋੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਕੇ ਰੋਗੀ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ। ਆਪ ਘੁਟਨੋ ਕੇ ਰੋਗ ਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, घुटनों के रोग से चंगे हो जाओ, फेफड़े के रोग से चंगे हो जाओ, आपकी लीवर की बीमारियां आपको छोड़कर जाएं, आपकी पेट की बीमारियां आपको छोड़कर जाएं, बंद आके यीशु के नाम से खुल जाएं, काला मोतिया चिट्टा मोतिया यीशु के नाम से खाई पो, अभी इसी समय खाई पो यीशु मसीह के नाम से, खाई पो यीशु के नाम से। आपकी आंखों में रोशनी आए, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाए यीशु के नाम से, तेज हो जाए इसी समय। धन्यवाद करते हुए रीबा का समाला गैर भाषा में जाए और अन्य भाषा में गैर भाषा में बात करें, रीबा को सोरी अल्लाह ही रिशंगा बाबा बा, रीबा सक्रोरिया संबरिया लावे बेरे संद्रोरिया सका बाबा बा, रीबे सक्रियोरी सम्मनी अंदली शरारा बाबा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करे, परमेश्वर की आत्मा आपको टच करे, होली गोस्ट फायर परमेश्वर की सामर्थ्य आपको टच करे, परमेश्वर का आपके आपको आत्मा सूर्य है जो श्वास से खड़े और रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनको छू रही है, उनके जीवन में आ रही है, परमेश्वर काम उनके जीवन में काम कर रहे हैं, मैंने बोला काम कर रहे हैं परमेश्वर के जीवन में, हर प्रकार की मात की आपके अंदर से बाहर आ रही है, मैंने बोला बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, इसी समय बाहर आ रही है,
रिबा सक्रोरिया पापा बारी शंभा रिहो सररिया सक्रिया रि मेरी शंभा पापा पापा रि संभव बोरिया सिन जिनके पीठ में दर्द है वो झुके नीचे यीशु मसीह के नाम से आगे ले आए आगे ले आए रिबल्ट संग्रोलिया रि शंभा पापा पापा हर अंधकार की आत्मा आपको छोड़े और आज चले जाए हर शैतानी आत्मा आपको छोड़े और जाए जिस शैतानी में से आपने खाया आप आजाद हो जाए आज फ्री हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए मैंने बोला आज आपके अंदर से बीमारी निकल रही यीशु के नाम से निकले अपनी आंखों को बंद रखो और परमेश्वर के पास अपने हृदय को लेके जाओ आज आपकी बीमारी निकलेगी रीबा सक्रोरिया संगलिया लरुशा बाबा 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 बारी बाबा बोरी संभव बोरिया सिकरा लिया ले लिहोरी सका बाबा 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 री सक्रोरिया ली बिबरी संभव बोरिया सिकरा हर अंधकार की आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़े और जाए जाए इसी समय नाउ टच देम नाउ टच देम टच आपको सामर्थ टच करे स्वर्ग से आपको सामर्थ टच करे आपके पेट के रोग जाए आपके लिवर आप लिवर की बीमारी से आजाद हो जाए चंगे हो जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए फ्री हो जाए आपके चेस्ट के रोग आपको छोड़कर जाए बंद नसे खुले यीशु के नाम से बंद नसे खुले यीशु के नाम से बंद नसे खुले यीशु के नाम से रिबा सक्रोरिया सक्लोरिया संबा बाबा बारी संबोरा रिहो रि संगलिया रि बाबा 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 बा रि सुंद्रोलिया लि शन्न रि संग्रोलिया बाबा बाबा हर अंधकार आपको छोड़े और आ जाए हर अंधकार की आत्मा छोड़े और जाए बीपी के रोग आपको छोड़े सर्वाइकल आपके जीवन से जाए थायराइड जाए यीशु के नाम से अब आजाद हो जाओ फ्री हो जाओ चंगे हो जाओ फ्री हो जाओ आजाद हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ फ्री हो जाओ रिबक सनरी लीडर शका बाबा हरी हो संग्री अल्लाह बाबा बारे संबरोरिया सम्मा बाबा आपकी पथरी रसौली यीशु के नाम से उखड़े और जाए आपकी पथरी रसौली उखड़े और जाए आज आज परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपके जीवन में काम करे आपकी पथरी रसौली निकले टूटे और आजाद हो जाए आजाद हो ये बंद पीरियड खुल जाए यीशु के नाम से अभी इसी समय बंद पीरियड खुले यीशु के नाम से सक्रोरिया सका बाबा लिबोरिया से मेनिया रि संगोरिया लि बेबेरी सा बाबा रिहो संबरिया ला बेबेरी सक्रोरिया संबोरी सक्रिया ला बाबा बंद बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से बंद गर्भ खुले यीशु के नाम से अरे ओ सोरिया ले बेबे आपके सिर के रोग आपको छोड़कर जाए आपके सिर के रोग आपको छोड़कर जाए यीशु के नाम से आपके सिर के रोग आपको छोड़कर जाए इसी समय यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं आपके सिर के रोग जाए जाए इसी समय आपके सिर के रोग जाए छोड़कर नाउ दिस टाइम बी फ्री बी हील द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ हार्ट की जो हार्ट के पेशेंट है आपकी हार्ट की बीमारी छोड़े और जाए हार्ट के पेशेंट जो हार्ट के रोगी हैं छोड़े और जाए हार्ट की बीमारी आज आपको छोड़े और जाए आपके गले के रोग आपको छोड़े और जाए आपके गले के रोग और छोड़े और जाए रिबस संब्रोरिया ले शामा खड़े करो बोल कौन है तू बोल किना में अंदरा बोल 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 किना में अंदरा बोल बोल सदा करो देख देख तेरे सामने कौन है देख देख कौन है
की नाम यात्रा बोल जल्दी की नाम यात्रा हैं? क्यों फड़िया नु बोल क्यों फड़िया नु हैं? किथे नहीं जान देना नु किथे बार गई? अच्छा इधर साथ कोई आया कोई? अच्छा इन्हें दी फैमिली चुके हैं हाँ? अच्छा चल तेनु पता है कौन है नदी मम्मा बुलाओ तुसी शास कर दी हो क्या आज पहली बारी आई हैं? अच्छा क्यों फड़े आने तू बोल क्यों फड़े है क्यों नहीं छड़ना कौन है तू झूठा है सुन तू झूठा है तू जिदा मर्जी नाम लेना है तू जानदा है तू किदी हजूरी च और तेरे सन्मुख कौन है देख 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 इधर देख तेरे सामने कौन खड़ा देख खोल देख देख तेरे सामने कौन खड़ा है बोल तेरे को तो अपने आप नहीं खड़ा होया जांदा तू की करेगा दा की वगाड़ेगा तेरे को ते सही टंग नाल तेरे को ते खड़ा नहीं होया जांदा तू एदा की वगाड़ेगा बोल बोल तू एदा की वगाड़ेगा चल मैं प्रभु दा दास होण दे नाते चल गंदी आत्मा छोड़ दे शरीर नु अच छट चल ए प्रभु दी बेटी है तेरा कोई अधिकार नहीं है चल यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय तुझे मैं आज्ञा करता हूं गंदी आत्मा राइट नाउ बी फ्री आउट 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 द नेम ऑफ जीसस बी फ्री थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर बी फ्री थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा स्वर्ग से तेरी आंख उतरी स्वर्ग से तेरी आंख उतरी राइट नाउ बी हील द नेम ऑफ जीसस थैंक यू उठाओ नंबर नोट करना है इन्होंने मिलांगे और बोलो परमेश्वर मैं तेरी सच्ची और पाक हजूरी च हूं और तू मेरे साथ है तू मेरे जीवन दे बलिदान दे ले मेरे पाप ते ले और आज मैं तेरे कोड़े खान तो चंगी हूं आज तो मैं आजाद हूं मैं फ्री हूं आमीन जाओ नंबर नोट करो बच मिलते हैं सब अस प्रार्थना जाए री बस सखरोल यार ईशा का बाबा हरि हो री संबा बाबा बाबा री बो सक्रिया ला बाबा बाबा हरि हो री संबा बाबा बाबा एक बड़ा मसा आपके जीवन में काम कर रहा है अगर आप विश्वास के साथ खड़े हो अब मैंने बोला कि अगर विश्वास के साथ खड़े हो परमेश्वर का बड़ा मसा आपके जीवन में काम कर रहा है आपको होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सामर्थ टच कर रही है जब भी परमेश्वर का बड़ा मसा आपके जीवन में काम कर रहा है मैंने बोला हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से आपके जीवन से निकल रही है और आप आजाद हो रहे हैं चंगे हो रहे हैं आप आजाद हो रहे हैं चंगे हो रहे हैं आपकी
पुरानी बीमारी को ही मैं देख रहा हूँ। आपकी बहुत समय से कुछ ऐसा रोग या बीमारी है जिससे आप बहुत परेशान हो। मैंने बोला कोई बहुत पुरानी बीमारी है और वो अजीब किस्म की बीमारी है, उसको समझ में नहीं आ रही। खुदा का आत्मा उसको छू रहा। मैंने बोला आपको एक अजीब किस्म की एक पुरानी बीमारी है और वो बीमारी नहीं एक आदत है, वो बीमारी नहीं आपकी एक आदत है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अब जो भी हो कोई, मैंने बोला वो बीमारी नहीं आपकी आदत है, आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आप आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। अगर आप रिसीव कर रहे हो मेरी बात को, आपके बीच में चाहे कोई भाई है चाहे कोई बहन है, मैंने बोला अगर आपको एक अजीब किस्म की बीमारी है, वो बीमारी नहीं मैंने बोला आपकी आदत है, जिसके कारण वो आपकी आदत एक बीमारी बनकर बैठी है। मैंने बोला वो आदत है आपकी, वो बीमारी का रूप लेकर आपके अंदर बैठी है और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अब जो कोई भी हो, मैंने बोला परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आजाद हो रहे हो। आपकी पेट की गिल्टी, किसी के पेट में जो गिल्टी बनी है परमेश्वर का आत्मा से भी छू रहा है। किसी के पेट में जो गिल्टी का रोग है, गिल्टी बनी है, बोले बोला कि परमेश्वर आत्मा को छू रहा है। जो आपके पेट में एक गिल्टी बनी है, मैंने बोला परमेश्वर आत्मा आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, आप फ्री हो रहे हो, फ्री री संभव और सकरा, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। आपके टूटे रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं, आपके टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं फिर से, बंद नसें खुल रही हैं। जिनको खून की कमी, आपका खून जिनकी बॉडी में कम खून है वो यीशु मसीह के ब्लड से पूरा हो रहा है। जिनकी बॉडी में खून कम है, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से वो ब्लड पूरा हो रहा है आपके अंदर आज। रिबो सक्रोलिया रिशला रिहो रिसंगरी सबा बाबा बाबा रिहो सबा बरी सकरा रबा बाबा बाबा रिबो बोरी संगरा रिशका बाबा। आप में कोई है जो सांस लेता है सांस और उसके फेफड़े में दर्द है, वो सांस जब भी सांस लेता है सांस लेने से ज्यादा उसके फेफड़े में दर्द है, उसके फेफड़ों में दर्द है, पर परमेश्वर का आत्मा से शूर आया आजाद कर रहे हैं। मैंने बोला उसके फेफड़ों की दर्द आज वो आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है। उसके फेफड़ों की दर्द सांस लेने से जो उसके जीवन में पैदा होती है, परमेश्वर का आत्मा उसकी सामर्थ आपको टच कर रही है और आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। मैंने बोला आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। सब अपनी बीमारियों से शूट हो जाओ, शूट जाओ अपनी बीमारियों से, शूट जाओ और बोलो अपनी अपनी बीमारी से, अपनी अपनी बीमारी को बोलो कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। अपनी अपनी बीमारी को, अपने अपने रोग को बोलो कोई मेरा तेरे जीवन, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार से बोलो, बोलो 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 बोलो, अधिकार से बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी। अपनी आंखों पर हाथ रखो और बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से चंगी हूँ। अपनी आंखों पर हाथ रखो, अपने कानों पे जहां पे भी रोग है अब बोलो यीशु मसीह के नाम से, बोलो 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 यीशु मसीह के नाम से कि मैं उसके कोड़े खाने से, विश्वास से बोलो कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी को बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यूरिन की बीमारी
जो आपके पेशाब में इन्फेक्शन है, जिनके भी यूरिन में इन्फेक्शन है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहे हैं और आप आजाद हो। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, आपकी यूरिन की बीमारी आपको छोड़कर जा रही है, आपकी यूरिन की बीमारी छोड़कर आपको जा रही है। यीशु के नाम से आप अपने पासपोर्ट वीजे फाइल जो भी है आपके पास निकालें, अपनी फोटो पासपोर्ट वीजे यीशु मसीह के नाम से। मैं हर अंधकार को, अपनी हर एक उस फोटो को जो पासपोर्ट है जो भी आपके पास है उसको ऊपर करें, यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की रकावट को फोटो से दूर करता हूं, फोटो से दूर करता हूं। हर अंधकार जो भी इनके जीवन में काम करता है छोड़े और चाहिए, मैं हर पासपोर्ट को वीजा फाइल यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं अभी यीशु मसीह के नाम से। मैं हर पासपोर्ट वीजा फाइल कागजात कैसा भी कोई डॉक्यूमेंट कोई कागज क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। खुदा का दास होने से आपके हर जो आशीष खुदा ने शैतान ने आपकी चुराई है, आज वो हर अंधकार की आत्मा आपको छोड़े और जगाए, हर अंधकार की आत्मा आपको छोड़े और जगाए। बंद बिजनेस आपके बंद कारोबार खुल जाए यीशु के नाम से, आपका हर प्रकार का कर्ज आपसे उतरे, आपका हर प्रकार का कर्ज आपसे उतरे और आप फ्री हो जाए। रीबा का संबोलिया ईशा का बाबा रीबो सक्रोरिया संग्रिया ले रे शबा बाबा री संबोरी संग्रिया ले रे शबा बाबा बाबा रू संबोरी संबा बाबा बाबा री हो री सकारी शबा बाबा बाबा। आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए अपने मन से जो भी किसी के प्रति आपका वैर है उसको उसको माफ करो। मैं बोल रहा हूं जिसके किसी भी किसी के प्रति जो वैर है उसके मन में खार है अपने मन से उसको निकालें, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जो भी अगर किसी के साथ आपका पुराना झगड़ा है, जहां किसी के साथ खैर खार है जब वैर है जब कैसी भी दुश्मनी करो आपके मन से, परमेश्वर ने कहा तुम माफ करो, मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए और तुम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करो। आप माफ करोगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा और हील करेगा, चंगा करेगा, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर आपके बीच में खड़ा है। मैंने बोला चंगा करने वाला परमेश्वर आपके बीच में और वो आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, आप आजाद हो रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। जिन्हां लग रहा कि मेरा सिर पारा हो रहा है, मैं बोल रहा कि जिन्हां लग रहा मेरा सिर पारा हो रहा अगे आ जाओ, जिन्हां भी लग रहा कि मेरा सिर पारा है जिन्हें लग रहा है मेरा सिर पा रहा है अगे आ जाओ। और सिर्फ वो ही आयो क्योंकि खुदा ने वचन दी तौहीन ना करो, अगर जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही चीज करो अपनी दूसरी बीमारी नु लेके नहीं आना तो खुदा थोड़े जीवन च काम नहीं करेगा। जिन्हें तो मैं बोल रहा हूं कि सिर पा रहा हो रहा है सिर्फ वही आओ तो खुदा ने वचन दी तौहीन नहीं की थी। खुदा दी जिन्हें तो सिर पारा हो रहा आज साइड दिया जो सर साइड दिया जो अखा बंद करो। मैं हर अंधकार बारी कहते परमेश्वर फायर को रिलीज करता हूं, होली गोस्ट फायर के साथ हर अंधकार को इस शरीर से दूर करता हूं। राइट नाउ बी फ्री, बी फ्री। इसी समय में हर अंधकार को शरीर में दबी दुष्ट आत्मा को फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से, फ्री। इसी समय
कुमारीपन की आत्मा छोड़े छोड़े और जाए छोड़े, हर प्रकार का अंधकार छोड़े, अपने जिस्म को छोड़े और जाए छोड़े और जाए फ्री छोड़े और जाए, इसी समय अंधकार की आत्मा को छोड़े और जाए राइट नाउ फ्री, इसी समय हर प्रकार के अंधकार को यीशु के नाम से आज्ञा फ्री। थैंक यू जीसस, यीशु का बड़ा मसा काम करे, इसी तरह बड़ा मसा इस शरीर के अंदर काम करे, हर प्रकार की अंधकार की आत्मा छोड़े राइट नाउ इसी समय, हर शैतानी आत्मा ही हर भारीपन बोझ दी आत्मा छोड़े छोड़े जय राइट नाउ चल छोड़, हर अंधकार की आत्मा छोड़े और जय, हर छिपी हुई दुष्ट आत्मा इस शरीर से इस बॉडी से तुझे आज्ञा करता हूं यीशु के नाम से निकले, हर अंधकार की आत्मा छोड़े और जाए राइट नाउ फ्री राइट नाउ, इसी समय अंधकार की आत्मा छोड़े और जाए छोड़े और जाए छोड़े और जाए राइट नाउ, Be healed in the name of Jesus. आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। Thank you. Be free. रीबा सकम। हर बोझ की आत्मा छोड़े, छोड़े और जाए। Right now, इसी समय अंधकार छोड़े और जाए, छोड़े और जाए यीशु के नाम से। Be free. Be free. छोड़े और जाए, हर प्रकार का अंधकार परिपंडी आत्मा बोझ की आत्मा छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए राइट नाउ, बी हील द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री राइट नाउ, खुदा का मसा देता हूं इस शरीर के ऊपर, मसा देता हूं हर प्रकार का अंधकार, मसा देता है Holy Ghost fire be free, Holy Ghost fire छोड़े निकले अंधकार परिपंडी आत्मा बोझ दी आत्मा राइट नाउ, इसी समय हर अंधकार की शक्ति छोड़े और जाए be free। Thank you Jesus राइट नाउ, इसी समय कार छोड़े बोझ की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा बोझ की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा छोड़े, डिप्रेशन का आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए बी फ्री डिप्रेशन का आत्मा छोड़े बोझ की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूं होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर के साथ मैं हर अंधकार को इस शरीर से इस बॉडी से कमांड करता हूं राइट नाउ बी फ्री फ्री। थैंक यू जीसस, हर प्रकार का बोझ और डिप्रेशन, डिप्रेशन की आत्मा बोझ की आत्मा छोड़े और जाए, छोड़े और जाए राइट नाउ बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस free. Thank you Jesus right now इसी समय परमेश्वर तेरे फायर शरीर के ऊपर, हर अंधकार के ऊपर तेरी होली गोस्ट फायर को देता हूं परमेश्वर, हर अंधकार की आत्मा यीशु मसीह तेरे नाम से छोड़े जाए फ्री, हर अंधकार मिटे और जाए, दीपास्ता करा ला बाबा
विश्वास किया और रिसीव किया वो चंगे हैं। मैंने बोला जितने लोगों ने विश्वास किया वो चंगे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने विश्वास किया और विश्वास से इस हीलिंग को रिसीव किया, मैंने बोला वो चंगे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने लोग अपने मराइकल को, अपने चमत्कार को ले चुके हैं अपने जीवन में। हम सुनेंगे कुछ गवाहियों को प्रभु की महिमा के लिए। हम सुनेंगे कुछ गवाहियों को सुनेंगे हम, जिनको आज परमेश्वर ने छुआ है। हालेलुया। तो ब्रदर्स ये दस रहे ने के इन्हां दी लात विच दो गिल्टियां सी गियां और परमेश्वर दे आत्मा ने उन्हें इन्हां टच कीता और ये दस रहे ने के हुण कोई गिल्टियां नहीं है। ये आजाद हो चुके निश्चय दे सामर्थ्य और जिंदा नाम दे विच। केड़ी केड़ी साइड ते अच्छे सगाते जी, कोई भी आके
चेक कर सकता क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। बोलो बोलो परमेश्वर की है सामर्थी है और वो सब कुछ करने की रखता है। जोर से तारीफ करेंगे खुदा के नाम की। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेर जी दसते पे ने कि तीन दिन पहला ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इन्हों का एक्सीडेंट हो गया और डिगन के कारण इन्हें राइट बांह से सट लग गई और इन्हें दसिया कि इन्हों की बांह पूरी तरह नहीं सी जाती और परमेश्वर ने अज इन्हों की बांह श्योर कहें कि अज मेरी बांह पूरी तरह जा रही है और दर्द तो भी परमेश्वर ने इन्हों आजाद कर दिता वा। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितने नहीं जाती कितों तक नहीं तां नहीं हुंदी तारीफ करांगे खुद। जल्दी से जल्दी से जल्दी से तो प्रेर जी दसते पे ने कि जो ये संगति च आए तो इन्हों का सत्संग बैठन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और इन्हों का जी कर रहा है कि सत्संग चो एवें मैं भज जावा और कहें कि जो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हों छूया और इन्हों जो शांति नहीं सी परमेश्वर ने इन्हों शांति भी दी आ और इस समय इन्हों का पूरा मन भी लग गया और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जोर से। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर चुका है। बोलो उसका मसा आपके जीवन में कर चुका है काम। बस इसको श्वास से धन्यवाद के साथ जाओ। कुछ लोग रास्ते में जाते हील हो जाएंगे रास्ते विच की हो जाएंगे अगर नहीं हुए परमेश्वर इस तरह करेगा। कौन करेगा? कुछ आज और आज रात भी परमेश्वर आत्मा तुहाडे अंदर काम करदा ही रहेगा क्योंकि अगर तुम खुदा दी पाक हजूरी विच आए हो तो सेम नहीं जाओगे क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इस जगह पे है। बोलो कि सामर्थ इस जगह पे है उस यहोवा परमेश्वर की ताकत दा आत्मा इस जगह पे काम करता है। तो असी सब इस विश्वास नाल इस मीटिंग नू इस सारियां गल्लां नू जो असी वचन दियां सुनियां अपने नाल लेके जावांगे। अज दे दिन दे लई परमेश्वर तुहानू बहुत आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। ये आशीष तुहाडे नाल हुण तों लैके सदा तक ये शांति और उहदी अनुग्रह वधदा रहे। आमीन। तो सुनो